महाराष्ट्र के अनेक स्थानों से आए हुए सभी स्वर्णकार मित्रों, साथियों, मंच पर बैठे हुए महाराष्ट्र स्वर्णकार संस्था के अध्यक्ष महोदय, इस सभा में उपस्थित प्रसिद्ध एडवोकेट श्री गांधी जी, मेरे सहयोगी पिंगले जी, मेरे सहयोगी श्री अतुल भाई, अन्य सभी साथियों, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आप यहां आए हैं। मुझे आपसे बात करने का, संवाद करने का समय मिल रहा है। हम सब यहां एकत्रित हुए हैं एक बहुत गंभीर समस्या का समाधान खोजने के लिए, और वो समस्या क्या है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिल गई है। एक समस्या तो आपके सामने बहुत पहले से चली आ रही है, वो भारतीय कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई, जिसके बारे में श्री गांधी जी ने आपको बहुत विस्तार से बताया। ये समस्या उसी दिन से है जिस दिन से भारतीय पुलिस और भारतीय कानून दोनों का दुरुपयोगी गठजोड़ बना है, उसी दिन से ये समस्या आपके देश में है। अगर इसके साल गिनेंगे तो भारत का पुलिस कानून बना था 1860 में, इंडियन पुलिस एक्ट, और ये जो आईपीसी है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ये तीनों बने आजादी के पहले। तो आपकी आजादी आने के पहले से ये समस्या शुरू हो गई। आगे कब तक चलेगी? जब तक हम इस कानून की व्यवस्था को स्वीकार करेंगे और जब तक ये कानून बदलेंगे नहीं तब तक ये चलने वाले। इसके बारे में काफी गंभीरता से एक डेढ़ घंटे, दो घंटे आपने चर्चा किया, संवाद किया। अभी आने वाले समय में एक और बड़ी समस्या पैदा होने वाली है, वो हाल मार्क की है, जिसके बारे में पिंगले जी ने थोड़ा सा बताया, और जो सूत्रधार है आज के कार्यक्रम की, उन्होंने भी आपको जानकारी दी। भारत देश की सरकार ने भारत के सभी स्वर्णकार भाइयों के लिए एक कानून बना दिया है। वो कानून के आधार पर सभी स्वर्णकार बंधुओं को अपने सोने के बनाए हुए अलंकारों पर, सोने के बनाए हुए जेवरों पर, सोने के बनाए हुए जो आभूषण है उन पर एक मानक चिन्ह लगाना पड़ेगा। आपने देखा है ये पानी की बोतलें होती हैं, इस पे एक मानक चिन्ह होता है, ISI कहीं देखेंगे, कहीं पर BIS देखेंगे। ऐसे ही आपने देखा होगा बाजार से कोई खाने पीने का सामान खरीदे उस पे भी एक मानक चिन्ह होता है, उसको अंग्रेजी में एग मार्क कहा जाता है। तो ऐसे ही आप बाजार में जाएंगे तो आजकल एक मानक चिन्ह आ गया है कि कोई वस्तु जो खाने पीने के काम आने वाली है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है, उसके लिए एक मानक चिन्ह होता है। एक आयताकार चिन्ह होता है, उसमें हरे रंग का एक गोल निशान लगाया जाता है। अनेक अनेक वस्तुओं पर इस तरह के मानक चिन्ह हुआ करते हैं, ISI होता है, BIS होता है, खाने पीने की वस्तुओं में एगमार्क होता है। तो अब भारत देश की सरकार ने सोने से बनाई हुई वस्तुओं पर भी एक मानक चिन्ह लगना चाहिए उसका फैसला किया है, और उस मानक चिन्ह का नाम है हॉलमार्क। जैसे मैंने आपसे कहा कि मसाले पे लगने वाला चिन्ह एगमार्क है, पानी की बोतल पे लगने वाला एक चिन्ह ISI होता है, एक BIS होता है, खाने पीने के मसालों पर और तेल पर लगने वाला चिन्ह एगमार्क होता है, कोई शाकाहारी वस्तु है उसके लिए एक हरे रंग का निशान होता है, वैसे ही सोने के आभूषणों पर एक चिन्ह लगाया जाए उसका नाम हॉलमार्क होगा। ये फैसला भारत देश की सरकार ने किया है। ये जो फैसला भारत देश की सरकार ने किया है, इस फैसले के पीछे उनकी दृष्टि क्या है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्या जरूरत है इसकी, कौन उनको कह रहा है कि ऐसा करो? मैं एक ग्राहक हूं, सोने की वस्तु बाजार के किसी भी अच्छे स्वर्णकार से, जिसको मैं जानता हूं, खरीदता हूं, मेरा परिवार भी खरीदता है, ऐसे करोड़ों परिवार ये खरीदते हैं। मैंने कभी भारत सरकार से ये मांग नहीं किया कि मुझे हॉल मार्क का चिन्ह लगा हुआ सोने का चेन चाहिए। मैं स्वयं सोने का चेन पहनता हूं। मैंने आज तक कभी भारत सरकार के पास जाकर एक एप्लीकेशन नहीं दिया कि मेरे स्वर्णकार भाई से जो सोने का चिन्ह मैं खरीदता हूं उस पर मुझे हॉल मार्क का निशान चाहिए। ना मेरी मां ने दिया, मेरी मां मुझसे ज्यादा सोने के आभूषण पहनती है, वो तो हाथ में अंगूठी भी पहनती है, गले में मंगलसूत्र भी पहनती है और चूड़ियां भी पहनती है सोने की। उसने कभी भारत देश की किसी सरकार के प्रधानमंत्री को, ना भारत सरकार के किसी बड़े अधिकारी को आज तक ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी कि मुझे इस स्वर्ण व्यापारी के यहां से हॉलमार्क लगा हुआ चिन्ह का आभूषण चाहिए।
मेरे पिताजी भी सोने के आभूषण पहनते हैं, मेरे परिवार के तो किसी सदस्य ने आज तक ये नहीं किया, मेरे जो पड़ोसी हैं उनमें से भी किसी ने आज तक ये नहीं किया। भारत में सोने के आभूषण पहनने वालों की संख्या छोटी मोटी नहीं है, करोड़ों की संख्या में लोग सोने के आभूषण पहनते हैं, आज तक तो किसी ने ये मांग नहीं किया। एक बात। दूसरा, भारत देश में भारत के उपभोक्ताओं का ध्यान रखने वाली बहुत सारी संस्थाएं, उनमें कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, जिनको उपभोक्ता समिति कहा जाता है। मैं उपभोक्ता हूं, आप विक्रेता हैं, मेरा और आपका कोई आपस में संबंध है, वो परस्पर विश्वास और समझदारी का संबंध है। लेकिन भारत देश की सरकार ने उपभोक्ताओं के संरक्षण करने के लिए एक कानून बनाया था 1986 में। उस कानून के आधार पर व्यापारी और उपभोक्ता के बीच में विश्वास का जो संबंध है वो कानून से तय होगा, उसकी एक व्यवस्था की थी। तो उसके आधार पर जगह जगह भारत में उपभोक्ता समितियां बनी हुई हैं, जो जिला स्तर पे काम करती हैं, राज्य स्तर पे काम करती हैं, कहीं कहीं पर तहसील स्तर में भी काम करती हैं। मेरी जानकारी में 1986 के बाद भारत की किसी भी उपभोक्ता समिति ने भारत के किसी भी प्रधानमंत्री और सरकार को ये मांग नहीं की कि स्वर्ण आभूषणों के लिए सभी को हॉलमार्क कंपलसरी करना चाहिए। अब मजे की बात यह है कि जो आभूषण खरीदने वाला है उसको कभी जरूरत नहीं है हॉलमार्क की, बेचने वाले को तो कभी भी जरूरत नहीं है, खरीदने वाले को तो कोई जरूरत नहीं है, खरीदने वाले का पक्ष लेने वालों को भी कोई जरूरत नहीं लगती है। तो फिर ये अचानक सरकार को कहां से इसकी जरूरत पैदा हो गई? कैसे सरकार को ये मन में आया कि हमें सभी स्वर्ण आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह लगाना चाहिए? क्या हमारी सरकार के प्रधानमंत्री को रात में कोई स्वप्न आया? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री और सरकार के मंत्रियों को किसी देवता का दर्शन हुआ और वो देवता ने दर्शन में आके उनको कहा कि तुम कल से सभी स्वर्णकार बंधुओं के लिए कानून बना दो और कहो कि हॉलमार्क लगाना कंपलसरी है, नहीं तो पाप के घड़े में डूब जाओगे, तुम्हारी सरकार गिर जाएगी? कोई देवता ने आके दर्शन नहीं दिया, कोई भगवान ने उनको श्राप नहीं दिया, उन्होंने कभी कैबिनेट में आपस में चर्चा भी नहीं किया। एक मजे की बात यह है कि जिन सरकार के प्रतिनिधियों के माध्यम से ये कानून बना, वो सरकार के प्रतिनिधियों को नहीं मालूम है कि हॉलमार्क कानून क्या है। एक दिन ऐसे ही आया और पास हो गया। और बहुत सारे कानून ऐसे ही पास हो जाते हैं संसद में, आप जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब महत्वपूर्ण कानून संसद में पास हो रहे होते हैं तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद चल रहा होता है और बिल्ली कुत्ते की तरह से तू तू मैं हो रही होती है, कोई किसी की नहीं सुनता है और कानून पास हो जाता है। ये सरकार ने आखिरकार क्यों किया है, इसकी जरूरत कहां से आ गई हमारी सरकार? स्वर्णकार बंधुओं की तरफ से इसके लिए कोई निवेदन नहीं गया, भारत के ग्राहकों की तरफ से सरकार को कोई ज्ञापन नहीं दिया गया, भारत के लोगों ने कभी मांग नहीं किया कि हमको हॉलमार्क लगा हुआ ही सोने का आभूषण चाहिए, नहीं तो हम खरीद ही नहीं करेंगे और हम सबका बहिष्कार करेंगे। तो आखिरकार सरकार ने ये क्यों कर दिया कि हॉलमार्क लगाना अभी ऐच्छिक है, थोड़े दिन में कंपलसरी होगा, ऐसा क्यों किया? उसके पीछे का छोटा सा इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारे देश की सरकार आजकल बहुत कुछ ऐसा कर रही है जिसके बारे में भारत के लोग कभी उससे बोलते नहीं, मांग करते नहीं, सरकार के मन में आता है तो कर देते, लोग कभी नहीं कहते कि हमको ये चाहिए। मैं आपको एक और उदाहरण दूं, भारत के लाखों करोड़ों लोग रोज पीने के पानी की मांग करते हैं, उसके लिए धरने प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन मेरी जानकारी में पिछले 20 साल में एक भी ऐसा प्रदर्शन नागपुर में नहीं हुआ या भारत के किसी भी शहर में नहीं हुआ जहां लाखों लोगों ने इकट्ठा करके सरकार को कहा हो कि हमको पेप्सी चाहिए पीने, कोका कोला चाहिए, पीने का पानी चाहिए, इसके लिए रोज धरने प्रदर्शन होते। पेप्सी कोक चाहिए, इसके लिए कभी कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, फिर भी पेप्सी आ गया इस देश में, गांव गांव बिकने लगा। भारत में लाखों लाखों ऐसे बच्चे हैं जो बिना दूध के मर जाते हैं, दूध पीने को नहीं मिलता है। कभी आज तक मैंने हिंदुस्तान में किसी भी गांव में ये नहीं सुना कि हमारे बच्चों को खाने के लिए चॉकलेट चाहिए, इसके लिए हम रैली निकालेंगे, जुलूस करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। दूध चाहिए पीने का ये मांग किया होगा, चॉकलेट चाहिए दूध से बना हुआ वो मांग कभी नहीं होता। हिंदुस्तान के लोगों ने खाने के लिए रोटी मांगी होगी
लेकिन हमको पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, हॉट डॉग चाहिए, कोल्ड डॉग चाहिए, उसके लिए तो कोई जुलूस मैंने आज तक देखा नहीं। हम मांगते नहीं है, फिर ये काहे को हमको देते चले जाते हैं। तुम पिज्जा भी खाओ, बर्गर भी खाओ, हॉट डॉग भी खाओ, कोल्ड डॉग भी खाओ, हम मांग रहे हैं कि भाई खाने को मिल जाए जवारी की, थोड़ा सा लहसुन की चटनी मिल जाए, उतना हमारे लिए बहुत है। नहीं कहती है सरकार तुम पिज्जा खाओ, तुम बर्गर खाओ, नागपुर में हमने तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट खुलवा दिया, मुंबई में और ज्यादा खुलवा दिया। ये सरकार कर क्यों रही है ये सब? हम तो मांग नहीं रहे हैं, फिर भी जबरदस्ती हमको दिए जा रही। हमने शुद्ध पीने का पानी मांगा, उन्होंने हमको कहा पेप्सी कोला कोका कोला पियो। हम पीने के लिए दूध मांगते हैं बच्चों को, वो कहते नहीं चॉकलेट खाओ। हम मांगते हैं कि जवारी की रोटी मिल जाए खाने को, वो कहते नहीं पिज्जा और बर्गर खाओ। हम मांगते हैं कि अगर बीमार पड़ जाए तो साधारण कुछ दवाएं मिल जाए हमारे बच्चों को, नहीं नहीं वो कहते हैं हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवाओ, बीमारी है नहीं जबरदस्ती वैक्सीन लगवाओ, हो जाएगी तो हो जाएगी तब देखा जाएगा, अभी क्यों जबरदस्ती वैक्सीन लग। ये क्यों दिमाग खराब हुआ है सरकारों का? क्या हमारे मंत्रियों को किसी सांप ने काट खाया है? प्रधानमंत्री ने कुछ अफीम वफीम खा लिया है क्या? या हमारे देश के ये सब मंत्री जो है, क्या कारण क्या है इसके पीछे? इसके पीछे कारण बहुत गंभीर है। वो गंभीर कारण के बारे में एक छोटी सी बात कहता हूं। ये जो मैं आपसे कह रहा हूं, यही बात मैंने भारत के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री को कही थी। ये जैसे आपसे मैं कह रहा हूं कि आपको भगवान ने दर्शन दिया है ये सब करने के लिए, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और वो भूतपूर्व प्रधानमंत्री का नाम श्री पीवी नरसिम्हा राव, बहुत बीमार हैं, कभी भी स्वर्गवासी हो सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में इस समय वो एडमिट है, इंटेंसिव केयर यूनिट में है। उनको एक बार मैंने ये पूछा था, कब पूछा था? जब वो भूतपूर्व हो गए थे, क्योंकि बिना भूतपूर्व हुए आप किसी प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकते। प्रधानमंत्री आपका है, आप मिल नहीं सकते, मिलना है तो उसके पीएस से मिलना पड़ता है, उसके पर्सनल सेक्रेटरी से मिलिए, प्राइवेट सेक्रेटरी से मिलिए, प्रधानमंत्री से मिलना तो बहुत ही असंभव होता है। तो जब भूतपूर्व हो जाते हैं तो मिलना बहुत आसान हो जाता है। फिर वो सामने से कहते हैं राजीव भाई मेरे पास टाइम है, आओ कुछ बात करेंगे। जब प्रधानमंत्री है तब कोई बात करने का टाइम नहीं होता। एक बार 1996 में मैंने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को मद्रास में इसी तरह के एक कार्यक्रम में यह प्रश्न पूछा था। मैंने उनको पूछा था कि आजकल भारत सरकार जो फैसले कर रही है वो क्यों कर रही है? जैसे आपने एक फैसला किया, हम उदारीकरण करेंगे, वैश्वीकरण करेंगे, और वैश्वीकरण और उदारीकरण का मतलब ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियों को भारत में बुलाएंगे और उनको व्यवसाय करने के लिए खुली छूट देंगे। मैंने पूछा आपने ये क्यों किया फैसला? इसी तरह से 1994 में हमारे देश की सरकार ने एक फैसला किया कि गेट करार पर हस्ताक्षर करेंगे, WTO नाम का एक समझौता करेंगे, विश्व व्यापार संगठन समझौता। मैंने कहा आपने ये क्यों किया? वैश्वीकरण क्यों किया? विश्व व्यापार संगठन का समझौता क्यों किया? गेट करार क्यों किया? ये अजीब अजीब निर्णय आप क्यों कर रहे हैं? ऑनलाइन लॉटरी चला दिया इस देश में, कभी किसी ने डिमांड नहीं किया कि ऑनलाइन लॉटरी होनी चाहिए इस देश में, ये आप ऐसे ऐसे फैसले क्यों करते हैं? मैंने ये बात पीवी नरसिम्हा राव को पूछा था, और बात के साथ दो बात और भी जोड़ी थी उसमें। मैंने उनसे एक बात ये कही थी कि क्या आपके देश की संसद आपको ये सब कहने के लिए बात करने के लिए बाध्य करती है? क्या संसद आपको ये आदेश देती है? क्योंकि संसद अगर ये आदेश देती है तो संसद तभी आदेश दे सकती है जब संसद में ये सब बहस हो, और संसद में ये बहस तो मैंने कभी नहीं सुनी है। संसद में जो भी बहस होती है वो आप भी सुनते हैं, मैं भी सुनता हूं, वहां तो कुछ और ही बहस होती है। वहां एक सांसद दूसरे को गाली देता, दूसरा तीसरे को देता, तीसरा चौथे को देता, और कभी कभी सब एक साथ गाली देते हुए अध्यक्ष के आसन के पास पहुंच जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, बेचारा अध्यक्ष ठक ठक करके सदन कल तक के लिए स्थगित, उठ के चल देता है, ये अपना जिंदाबाद मुर्दाबाद करके बाहर निकल लेते। ये सब हमने देखा है संसद में। तो संसद आपको आदेश देती है क्या? या आपकी कैबिनेट मीटिंग में ये सब फैसले आप करते हैं क्या? या आपको भगवान जी कभी दर्शन में आके कह देते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो? ये बात मैंने उनको पूछा था, और ये इसलिए पूछा था कि मैं जानना चाहता था। नरसिम्हा राव ने मुझे एक बहुत आश्चर्यजनक उत्तर दिया जिसकी मुझे उनसे अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा उत्तर वो दे सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा
कि ये आजकल हमारे देश की सरकारें जितने भी फैसले करती हैं वो सब फैसले हम नहीं करते, हमसे करवाए जाते, हम नहीं करते हमसे करवाए जाते। मैंने कहा करवाने वाला कौन है? भारत की 103 करोड़ जनता जो आपको वोट देकर चुनकर भेजती है वो करवाती है ये फैसले? अगर आप जनता की सुनकर फैसले करते तो इसका उल्टा फैसला होना चाहिए। जनता तो मांगती है कि हमको 24 घंटे में से कम 18 घंटे बिजली दे दो, हमको पीने के लिए पानी दे दो, खाने के लिए कुछ ठीक से रोटी मिल जाए, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था कर दो, जरूरत पड़ने पर बच्चे बीमार हो जाएं तो दवा दिलवा दो, स्कूल की व्यवस्थाएं करवा दो, जनता तो ये मांगती है और आप इसमें से कुछ देते नहीं है। जो जनता नहीं मांग रही है वो देने के लिए आप उसको तैयार बैठे हैं। तो जनता तो आपको दबाव डालती नहीं है। हाँ, उन्होंने कहा जनता का कोई दबाव नहीं है। तो संसद में बैठे हुए 543 सांसद हैं, वो आपको कहते हैं, अगर वो कहेंगे तो बहस होनी चाहिए, बहस तो मैं भी सुन सकता हूं। उन्होंने कहा संसद में भी ऐसा नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा आपकी जो कैबिनेट होती है जिसमें मंत्री लोग होते हैं वो शायद कहते होंगे। नहीं, उन्होंने कहा वो भी नहीं कहते। तो मैंने कहा फिर कोई एक व्यक्ति होगा जो आपका सलाहकार है, आर्थिक सलाहकार है, वैज्ञानिक सलाहकार है, वो शायद आपको इसकी सलाह देता होगा। उन्होंने कहा वो भी नहीं होता। फिर मैंने कहा आप करते कैसे? तो आप अंतर्यामी हैं, आपको समझ में आ गया कि 20 साल के बाद ये समस्या आने वाली है तो इसके लिए ये करो। अंत में नरसिम्हा राव ने उत्तर दिया कि देखिए आजकल हमारे देश की सरकारें, उसमें सभी सरकारें, बीजेपी की, कांग्रेस की, जनता दल की, सीपीएम की, सीपीआई की, कोई भी राजकीय पक्ष की सरकार, आजकल हमारे देश की सरकारें सारे के सारे फैसले वो करती हैं जो उनको कर्ज देने वाले देश करने के लिए कहते हैं। इसको और सरल भाषा में कहूं, हमारे देश की सरकारें आजादी के पिछले 58 वर्षों से विदेशी कर्ज ले रही हैं। पिछले 58 वर्षों से, माने जिस साल भारत आजाद हुआ उसी के एक साल बाद से हमारी सरकारें विदेशी कर्ज ले रही हैं। ये आपसे छुपा हुआ नहीं है, सरकार से भी छुपा हुआ नहीं। सरकार बोलती है हम जानते हैं। हर साल हिंदुस्तान की सरकारें लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेती हैं। अलग अलग कर्ज देने वाले देश हैं, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ऐसे कुछ देश हैं जिनको आज की भाषा में पाश्चिमात्य देश कहा जाता है, डेवलप्ड कंट्री कहा जाता है, उनसे हमारे देश की सरकारें कर्ज लेती हैं। भारत में क्या हुआ था, आजादी आने के साल के तीन चार वर्ष के बाद एक योजना बनी थी। उस योजना का नाम था पंचवर्षीय योजना, आपने सुना होगा ये नाम। 1952 में ये बनी थी और उसी साल से लागू हुई थी, उसी समय से हमने कर्ज लेना शुरू किया था। पंचवार्षिक योजना के साल से कर्ज लेना शुरू किया। कर्ज होते होते सन 2004 में इतना हो गया है कि उस कर्जे का ब्याज भरने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। पहले हमने कर्ज लिया था विकास करने के लिए, अब हम कर्ज ले रहे हैं पुराने कर्जे का ब्याज भरने के लिए। हमारे देश की जितनी भी सरकारें आई हैं आजादी के 58 वर्षों में, उनमें से दो को छोड़कर, एक सरकार श्री लाल बहादुर शास्त्री की और दूसरी सरकार श्री मुरारजी देसाई की, इन दो सरकारों को छोड़कर सबने बहुत अधिक मात्रा में विदेशी कर्ज लिया है। 1991 के बाद से हमारे देश में एक नई व्यवस्था बनी है। 1991 के पहले क्या होता था, दिल्ली की केंद्र सरकार कर्ज लेती थी और उस कर्जे को राज्य की सरकारों को बांटा जाता था। 1991 के बाद एक नया नियम बना इस देश में कि राज्य की सरकारें सीधे कर्ज ले सकती हैं। अभी क्या होता है कि केंद्र की सरकार भी कर्ज लेती है और राज्यों की सरकार भी सीधे कर्ज लेती है। जैसे महाराष्ट्र राज्य की सरकार है, वो अमेरिका से सीधे कर्ज ले सकती है, अमेरिका की बैंकों से कर्ज ले सकती है, उसको केंद्र सरकार को पूछने की जरूरत नहीं है। 1991 के पहले ये नहीं होता था। 1991 के पहले ये होता था कि महाराष्ट्र राज्य सरकार बाहर से कर्ज नहीं ले सकती थी। मैं इसको हिंदी में कहता हूं उधारीकरण। ये उदारीकरण नहीं, उधारीकरण। उधार लेने की आदत 1991 के बाद ज्यादा हो गई। अब उधारीकरण इतना हो गया है कि राज्य की सरकार सीधे विदेश से कर्ज ले सकती है। अब 1996 से एक नया नियम आ गया है। अब नियम ये आ गया है कि राज्य सरकारों के नीचे जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं वो सीधे विदेशी कर्ज ले सकते हैं। और 2005 में एक नया नियम आने जा रहा है कि ग्राम पंचायत सीधे विदेशी कर्ज ले सकते। ऐसे हमारे देश में काम हो रहा है, प्रगति हो रही है, विकास हो रहा है।
1952 से 1991 तक केंद्र की सरकार विदेशी कर्ज ले सकती थी। 1991 से नया नियम आया, राज्य की सरकारें कर्ज ले सकती है। 96 के बाद नया नियम आया कि सीधे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कर्ज ले सकता है। 2005 में नियम आने वाला है कि ग्राम पंचायत सीधे विदेशी कर्ज ले सकता है। अब जब कर्ज लेने की खुली छूट है तो हरेक सरकार ने अंधाधुंध कर्ज लेना शुरू कर दिया, राज्य की हो या केंद्र की। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जिस राज्य में बैठे हैं, महाराष्ट्र, इस महाराष्ट्र राज्य की सरकार के ऊपर 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। 1,00,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एग्जैक्ट आंकड़े हैं, 1,18,000 करोड़ और कुछ हजार तो महाराष्ट्र राज्य पर इतना कर्ज है। आपको सुनकर हैरानी होगी, 1991 में इस महाराष्ट्र राज्य पर 2,000 करोड़ रुपए कर्ज था, 1991, और अब वो बढ़कर 1,18,000 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह से पड़ोसी राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, उसके ऊपर 65,000 करोड़ का कर्ज है। उसका पड़ोसी है उत्तर प्रदेश, उसके ऊपर 96,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। उसका पड़ोसी है बिहार, 1,25,000 करोड़ का कर्ज है बिहार पर। उसका पड़ोसी है बंगाल, बंगाल के ऊपर करीब 62,000 करोड़ का कर्ज है। ऐसे भारत के सभी 28 राज्यों पर, 9 केंद्र शासित प्रदेशों पर और 1 दिल्ली की सरकार पर 18,00,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। यह कर्ज पिछले 58 वर्षों में अलग अलग समय पर लिया गया है। यह कर्ज होते होते इतना हो गया है कि कर्ज का ब्याज भरने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। कर्ज देने वाले कुछ देश हैं, मैंने आपको कहा अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, कुछ देश हैं, कुछ संस्थाएं हैं। एक संस्था है, उसका नाम है विश्व बैंक, जागतिक बैंक। दूसरी संस्था, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तीसरी संस्था, उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। चौथी संस्था है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। ऐसी ऐसी कुछ संस्थाएं हैं, कुछ देश हैं जहां से हमारे देश के नेता या सरकारें कर्ज लेते हैं। अब होता क्या है, जो कर्ज देता है वो अपनी हर बात मनवाने के लिए दबाव डालता है, जो भी कर्ज दे। आप अगर नागपुर की किसी बैंक में कर्ज लेने जाएंगे तो वो बैंक की सारी शर्तें आपको मंजूर करनी पड़ेंगी। बिना शर्त के नागपुर का कोई छोटे से छोटा बैंक भी आपको कर्ज नहीं देगा। तो भारत से और देशों से कर्ज लेती है, उनकी भी कुछ शर्तें होती है। उन शर्तों को जब तक आप पूरा नहीं करेंगे तब तक वो भी कर्ज नहीं देंगे। अब क्या होता है, सामान्य रूप से ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और देश हैं जहां से हम कर्ज लेते हैं, उनकी कुछ शर्तें हैं। उनमें शर्तें कैसी होती हैं? एक शर्त ऐसी होती है कि जब भी भारत देश कर्ज लेगा तो भारत की करेंसी, जिसको हम रुपया कहते हैं, इसकी कीमत कम करनी पड़ेगी। ये एक शर्त होती है। तो हमारे देश की सरकारें क्या करती हैं, जब भी बाहर के देशों से या संस्थाओं से कर्ज लेती हैं तो रुपए की कीमत को कम करती है। और रुपए की कीमत कम करते 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 कहां तक कर दिया है, भारत जब आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को तो 1 रुपया और $1 दोनों बराबर था उस दिन। 15 अगस्त 1947 का अखबार आप निकालिए, वो दिन भारत में कई अखबार छपते थे। नागपुर से एक अखबार निकलता था हितवाद, और 15 अगस्त 1947 का एडिशन आप निकाल के देखिए, हितवाद देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, इकोनॉमिक टाइम्स बाद में आया, उसका एक निकलता था छोटा सर्कुलर, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का। ऐसे ही हिंदुस्तान टाइम्स का एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर होता था, हिंदू ग्रुप का एक अखबार निकलता था। ये जितने भी अखबार आजादी के साल में निकलते थे, सब अखबारों के पहले पन्ने पर भारत का रुपया अमेरिका के डॉलर का एक्सचेंज रेट है, 1 रुपया $1 था 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमें आजादी मिली थी। फिर क्या हुआ, आजादी मिलने के बाद हमने कर्ज लेना शुरू किया। कर्ज लेना शुरू किया तो पहली ही फोर्थ कर्ज की होती है कि रुपए की कीमत कम करो। तो हमारे देश की सरकारों ने रुपए की कीमत गिराना शुरू किया, और कीमत गिराते 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 आज यहाँ तक आ गया है कि $1 लगभग 45 रुपए 50 पैसे हो गए। इसका अर्थ क्या हुआ, आजादी के 58 वर्षों में हमने कर्ज लेकर हमारे रुपए की कीमत को 45 गुना कम कर लिया है। अर्थात हमने हमारे देश की सारी राष्ट्रीय संपत्ति की कीमत 45 गुना गिरा दिया है। यही तो अर्थ हुआ। आप जानते हैं ऐसा कोई परिवार दुनिया में जो अपने बाप दादों की संपत्ति की कीमत को गिराने में लगा रहे और उसको ये कहा जाए कि तुम विकास कर रहे हो?
आपने ऐसा कोई परिवार देखा है आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके जिले में, आपके प्रदेश में, जो अपने बाप दादों की संपत्ति पे दोष को ठा रहा हो और हम उसके गले में मालाएं डालते हो, बाबा तुम बहुत विकास कर रहे हो भाई, बहुत विकास कर रहे हो, बहुत विकास किया है तुमने, कितना विकास किया है देखो तुम। हमारे भारत में ये हो रहा है, हमारे देश की 58 सालों की सरकारों ने, जिनमें दो को छोड़कर मैंने आपसे कहा शास्त्री जी और मुरारजी देसाई को माइनस करें क्योंकि वो एक्सेप्शनल प्राइम मिनिस्टर थे, वैसे प्राइम मिनिस्टर इस देश को कभी मिले नहीं, उन दो सरकारों को छोड़कर हर सरकार ने बाहर से कर्ज लिया, कर्ज के चक्कर में कीमत गिराई करेंसी की। अब रुपए की कीमत गिराते 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 45 रुपया या 46 रुपया डॉलर हो गया, कभी 50 भी हो सकता है, कभी 75 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कहां तक भी जा सकता है। अब कीमत हमने गिराई, इस कीमत के गिरने से क्या हुआ, तीन समस्याएं पैदा हो गई, हानि हो गई। लाभ तो क्या हो सकता है, आप जरा सोचो, अगर हमारे घर की कीमत 1,00,000 रुपए है, मैं उस पर 45 गुना कम कर लूं तो क्या लाभ मिलेगा, या मेरे खेत की कीमत 1,00,000 रुपए है, मैं 45 गुनी कम कर लूं, या मेरे बिजनेस की कीमत 10,00,000 रुपए है, मैं उसको 45 गुना कम कर लूं, लाभ तो कुछ नहीं है, हानि तीन है। हमने रुपए की कीमत गिराई तो पहली हानि क्या हुई, तो हमारे देश का जो व्यापार दूसरे देशों में होता है, जिसको हम निकास कहते हैं, एक्सपोर्ट कहते हैं, वो हो गया सस्ता, और दूसरे देशों से जो हम आयात करते हैं वो हो गया महंगा। फिर 1947 में अमेरिका को 1 रुपए का सोने का कोई जेवर बेचे तो $1 हमें मिलेगा। 2004 के साल में अगर $1 अमेरिका से कमाना है तो 45 रुपए का सोने का जेवर बेचना पड़ेगा। तो क्या हो गया, हम जो बेचेंगे वो सस्ता हो गया, ठीक है। अब अमेरिका से हम कुछ खरीदें 1947 में 1 रुपए का, तो $1 देना पड़ेगा, या $1 का कुछ खरीदें तो 1 रुपए देना पड़ेगा। अब 1947 में तो $1 का खरीदें तो 1 रुपया लगेगा, 2004 में अमेरिका से $1 का कुछ खरीदें तो 45 रुपया लगेगा। तो जो हम खरीदेंगे वो महंगा 45 गुना, और जो बेचेंगे वो सस्ता 45 गुना, और खरीदे बेचे एक साथ कुछ किया तो नुकसान 90 गुना। अगर आपने एक साथ खरीद बेच किया, $1 का कुछ खरीदा और उसी के साथ $1 बेचा, तो 90 गुना नुकसान आपने अपने देश का कर लिया। और इस नुकसान में फायदा किसको हो गया, अमेरिका को। अमेरिका को क्या फायदा हो गया, उसका माल जो भारत में बिकेगा वो महंगा हुआ, और भारत से जो माल अमेरिका गया वो सस्ता हुआ, तो अमेरिका हमसे सस्ता खरीद रहा है, हमको महंगा बेच रहा है। उनकी 200 उंगलियां घी में है और हमारी 200 उंगलियां तेल की कढ़ाई में, और वो भी उबलता हुआ तेल जिसमें जलने की ही संभावना है, और कोई संभावना। अब इसके नुकसान कैसे होते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दूं। भारत देश से जो सबसे ज्यादा माल बिकता है दूसरे देशों में जाकर, कीमत के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से नहीं कहता हूं, कीमत के हिसाब से, वो है हीरे के गहने, हीरा कहिए उसको, डायमंड्स का एक्सपोर्ट भारत में कीमत के हिसाब से सबसे ज्यादा है। एक साल में भारत के सभी व्यापारी 35,000 करोड़ रुपए का डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो नंबर आता है वो जेम्स और ज्वेलरी का है, डायमंड के अलावा जो दूसरे पत्थर है और आपकी बनाई हुई सोने के आभूषण। तो सोने के आभूषण और दूसरी ज्वेलरी मिला दी जाए वो 22,000-23,000 करोड़ का बैठता है। तो हम ये जो निर्यात कर रहे हैं वो सस्ता हो, कैसे हो गया, मान लो हम आज 35,000 करोड़ का हीरा बेचते हैं, अगर इतना ही मूल्य का हीरा 1947 में बेचते तो हम 35,000 करोड़ सन 2004 में बेचते, अगर यही मूल्य का 1947 में बेचते तो इनकम कितनी होती, 35,000 करोड़ गुणा 45, लगभग जितना हीरा हम एक्सपोर्ट करके आज 35,000 करोड़ कमाते हैं उतना ही हीरा बेचकर 2,50,000 करोड़ रुपए कमाते, क्वांटिटी उतनी रहे। बाहर के देशों से हम खरीदते हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, और हर साल खरीदते हैं 90,000 करोड़ रुपए का, 90,000 करोड़ का। अगर 1947 में इतने ही क्वांटिटी का डीजल पेट्रोल खरीदते तो आता 2,000 करोड़ रुपए का, तो 2,000 करोड़ रुपए में 1947 में उतना ही डीजल पेट्रोल आता जो आज 90,000 करोड़ में आ रहा है, और 2,50,000 करोड़ रुपए में उतना ही डायमंड एक्सपोर्ट होता जितना आज हो रहा है। माने निर्यात से इनकम ज्यादा होती, आयात का खर्चा कम होता, तो हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया नाम का ही देश होता। जो देश का निर्यात ज्यादा होता है आयात कम होता है उसको सरप्लस कंट्री कहा जाता है, माने उसके पास संपत्ति ज्यादा होती है, तो भारत एक सरप्लस कंट्री होता,
सरप्लस कंट्री होता तो ये भूखमरी, गरीबी, बेकारी ये सारे प्रश्न आज नहीं दिखाई देते। लेकिन आज हमारे देश में भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इन प्रश्नों का समाधान नहीं होता है। सरकार के पास पैसे की कमी है, उसका एक बड़ा कारण है कि भारत की सरकार ने पिछले 58 वर्षों में विदेशी कर्ज लेकर रुपए का जो दाम कम किया है उसके कारण निर्यात सस्ता हो गया, आयात महंगा हो गया, हर साल हमको नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहला नुकसान। अब इस नुकसान में हमारे देश से परेशानी क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है वो सभी मार खा रहा है। इसमें कुछ भी हम ट्रेडिशनल बिजनेस जो चलाते हैं, जैसे सोने चांदी का धंधा, हीरे जवाहरात का धंधा, ये भारत में हजारों साल से होता रहा, ये ट्रेडिशनल बिजनेस, ये सब मार खा रहा है। इसी तरह से कपड़े का देश से आता है, प्रदेश से कच्चा तेल आता है लगभग $40 का एक बैरल। $40 बैरल के हिसाब से जो कच्चा तेल आता है उसके हिसाब से आपको एक लीटर पेट्रोल मिलता है लगभग ₹40 का, एक लीटर डीजल मिलता है लगभग ₹30 का। एक दिन मैंने हिसाब जोड़ा कि ये एक लीटर डीजल पेट्रोल की कीमत ₹40 और ₹30 तब है जब हमारा $1.45 का कैलकुलेशन। अगर हमारा सिलेंडर 45 गुना सस्ता होके ₹300 वाला कितने में मिलता, 300 में 45 का भाग दे दो, ₹10 से भी सस्ता आपको रसोई गैस का सिलेंडर। और आप दूसरे हिसाब जोड़ो, हवाई जहाज में आप नागपुर से यात्रा करते हो दिल्ली की, किराया है करीब करीब ₹6,500। अगर ₹1 होता तो ₹6,500 का 45 गुना सस्ता कर लो। दिल्ली से आप बंबई चले जाओ, दिल्ली से आप अमेरिका चले जाओ, अमेरिका से कहीं चले जाओ, सारे किराए आपके जो है 45 गुने सस्ते होते। रेल से दिल्ली जाना है आज जो किराया है उसका 45 गुना सस्ता होता, ₹15-20 में रेल से नागपुर से दिल्ली पहुंच जाते। और ये सब होता तो मैं जब किसी को ये सब सुनाता हूं कि ये होता तो कहते राम राज्य होता। और ये राम राज्य होना कोई कल्पना की बात नहीं है, ये राम राज्य होता अगर हमारे देश के ये मूर्ख नेताओं ने विदेशी कर्ज नहीं लिया होता। इन नेताओं को मूर्ख से भी ज्यादा कहने की इच्छा होती है, लेकिन मैं भारतीय संविधान का आदर करता हूं इसलिए उससे ज्यादा नहीं कहना चाहता। ये मूर्खों से भी ऊपर की श्रेणी के नेता हैं। इनको इतनी भी समझ नहीं है कि कर्ज लेकर रुपए की कीमत गिराना, अपने दोनों पैर काट लेना, इससे अच्छा तो कर्ज ही नहीं लेना, बिना कर्ज के विकास करना, इतना ही तो है ना। विकास थोड़ा धीमे होगा तो अभी कौन सा जल्दी हो रहा है जरा ये बता दो। मैं बहुत सारे नेताओं को ये समझाता हूं कि भाई बिना कर्ज के विकास करो, तो कहते हैं बहुत धीमे होगा। तो मैंने कहा 58 वर्ष में कितना तेज विकास किया जरा ये हिसाब लगा लो। 58 साल में 3,00,000 गांव में अभी बिजली नहीं पहुंची है और 3,50,000 गांव में पीने का पानी नहीं है। मैं जिस गांव में जन्म लिया मेरे गांव में बिजली नहीं है, सड़क भी नहीं है। मेरे गांव जाने के लिए बस से 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है, बस से उतर के 5 किलोमीटर पैदल चल के जाना। और मेरा गांव उत्तर प्रदेश के बहुत ताकतवर मुख्यमंत्री के बगल का गांव, उस गांव में अगर बिजली नहीं है तो बाकी की कल्पना क्या करें। लाखों गांव में बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, तो अभी कौन सा तेज विकास कर लिया तुमने कर्ज लेकर। नहीं कर्ज लेते तो शायद इससे अच्छा हो जाता। क्या अच्छा हो जाता? कम से कम रुपया और डॉलर तो बराबर रहता, और रुपया डॉलर बराबर रहता तो डीजल पेट्रोल तो सस्ता रहता, और डीजल पेट्रोल सस्ता रहता तो किसान कर्जदार तो नहीं होता। किसान के ऊपर सबसे भयंकर कर्जा चढ़ा हुआ है क्योंकि सबसे ज्यादा डीजल वही इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको पंप सेट चलाना है, बिजली मिलती नहीं है पानी देने के लिए, तो पानी खींचने में सबसे ज्यादा डीजल का इस्तेमाल होता है। दूसरा नंबर डीजल का इस्तेमाल रेल में होता है, सबसे ज्यादा किसान डीजल खरीदता है। हर दिन हिंदुस्तान का किसान 300 करोड़ लीटर डीजल खर्च करता है हर दिन, साल का हिसाब जोड़ो। वो डीजल अगर इतना सस्ता हो जाए 40-45 पैसे लीटर तो ये किसान तो हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दे, क्योंकि डीजल सस्ता होने का माने पानी सस्ता होना, पानी सस्ता होना माने खेती का उत्पादन सस्ता होना, खेती का उत्पादन सस्ता होना माने सबके लिए सुविधा होना। तो ये नेताओं को इतनी मूर्खता है, इतनी भी समझ नहीं है कि ये कर्ज लेकर रुपए की कीमत गिराने से अच्छा है कर्ज नहीं लेना और रुपए की कीमत को चढ़ते देना। आप कभी कभी समाचार सुनते होंगे, हो सकता है रोज भी सुनते हो, हर दिन समाचार एक ऐसा जरूर आता है, आज भारत के रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में इतने प्रतिशत गिरी, या कभी कभी ऐसा आता है आज भारत के रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में इतने प्रतिशत बढ़ी। जिस दिन आपने समाचार सुना कि रुपए की कीमत बढ़ी, समझ लेना पुराने किसी कर्जे की किस्त वापस की।
जिस दिन भारत सरकार पुराने कर्जे की किस्त देती है उसी दिन रुपए की कीमत बढ़ती है, और जिस दिन पुराने कर्जे की किस्त देने के लिए नया कर्ज ले लेती है उसी दिन कीमत गिरती है। जिस दिन आप खबर सुने कि रुपए की कीमत गिरी, समझना आज नया कर्ज लिया, और जिस दिन सुना कि रुपए की कीमत बढ़ी तो पुराना कर्ज वापस दिया। ये खबर अगर हम इस तरह से सुनना शुरू करें बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। भारत के नेताओं ने पिछले 58 वर्षों में मेरे शब्दों में सबसे बड़ी मूर्खता और जो गलती की है वो ये कि कर्ज लेकर विकास करने का जो सिलसिला शुरू किया है उसने हमको एक खड्डे में डाल दिया, और इस खड्डे में डलने के नुकसान क्या है? निर्यात तो जा रहा है कौड़ी के दाम में, आयात हो रहा है बहुत महंगा। और एक सरल उदाहरण देता हूं, हम जो निर्यात करते हैं, मैंने आपसे कहा सोने चांदी के गहने, हीरा जवाहरात, ये सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पर हम जो निर्यात करते हैं वो क्या करते हैं? लोहे का कच्चा माल, जिसको आयरन ओर कहते हैं। आयरन ओर निर्यात करने के लिए भारत सरकार की एक बहुत बड़ी संस्था है, उसका नाम है MMTC, वो ये काम में लगी रहती है। एक बार मैंने MMTC के एक अधिकारी को पूछा कि ये कच्चा लोहा क्या भाव में बेचते हैं, उन्होंने कहा 10 पैसे किलो। 10 पैसे किलो? मैंने पूछा इतना सस्ता? उन्होंने कहा क्या करें राजीव भाई, रुपया बहुत सस्ता है, डॉलर महंगा, तो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो 10 पैसे किलो में पड़ता है। मैंने कहा अच्छा ये कच्चा लोहा तुम एक्सपोर्ट करते हो, फिर पक्का लोहा इंपोर्ट करते हो? हाँ करते हैं। वो क्या भाव करते हो? कहने लगा 23 रुपए किलो। अब आप हिसाब लगाओ, लोहे का कच्चा माल जिससे पक्का लोहा बनता है, आयरन ओर हम बेच रहे हैं 10 पैसे किलो, और उस आयरन ओर से बना हुआ पक्का लोहा खरीद रहे हैं 23 रुपए किलो। कौन सी अकलमंदी चल हो रही है इस देश? और ये काम करने वाले जो नेता हैं उनको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, बेस्ट कॉमर्स मिनिस्टर का अवार्ड मिल रहा है इस देश। इसी तरीके से हम बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। तांबा होता है ना, तांबा बनाने के लिए जो कच्चा माल है वो एक्सपोर्ट करते हैं। एल्यूमिनियम बनाने के लिए कच्चा माल जिसको बॉक्साइट कहते हैं वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये सभी एक्सपोर्ट 10-15 पैसे किलो के हिसाब से हैं, और फिर पक्का माल खरीदते हैं 20-22 रुपए किलो से लेकर 100-150 रुपए किलो तक हम इंपोर्ट करते हैं। तो फंस रहे कि नहीं? आपने दुनिया में ऐसा कोई व्यापारी देखा है जो सस्ता बेचे महंगा खरीदे? भारत सरकार ऐसा ही सबसे बड़ा व्यापारी, जो हर माल सस्ता बेचता है महंगा खरीदता है। और इसी तरह से हम और क्या बेचते हैं? अमेरिका यूरोप के देशों को भारत का बेस्ट क्वालिटी हापुस आम बेचते हैं, अल्फेंजो आम बेचते हैं, जो आपको खाने को नहीं मिलता क्योंकि हम दूसरे देश को बेचते हैं। अगर ये हापुस और अल्फेंजो हम बेचना बंद कर दें तो हिंदुस्तान के हर गांव को 10 रुपए डजन का हापुस खाने को मिल सकता है, 15 रुपए डजन का अल्फेंजो खाने को मिल सकता है, अगर एक्सपोर्ट ना करें तो। लेकिन हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट 10 रुपए डजन से भी कम कीमत पे होता है, क्योंकि रुपया कीमत का कम है, डॉलर ज्यादा। तो हम परदेशी लोगों को अपना बेस्ट क्वालिटी आम कौड़ी के भाव देते हैं खाने को, और उनका पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, कचरा बहुत हाई कीमत पे इंपोर्ट करते हैं। एक पिज्जा आप समझते हैं, वो पिज्जा बर्गर की बात करता हूं, बर्गर समझना आसान, वो पाव रोटी होती है ना, पाव रोटी का एक टुकड़ा, वो बर्गर बन के जब भारत में आता है तो 67 से 70 रुपए की कीमत है, और बेस्ट क्वालिटी अल्फेंजो आम 1 किलो जब भारत से जाता है तो 7 रुपए की कीमत पे जाता है। हमारे देश का बेस्ट क्वालिटी बासमती चावल जो आपको देखने को ना मिले, अगर खरीदेंगे तो नागपुर में 65-70 रुपए किलो, जो 65-70 रुपए किलो का बासमती चावल आप अपने घर में खाते हैं वो चावल अमेरिका भारत से एक्सपोर्ट होता है 4.25 रुपए किलो। जो चीनी आप देख नहीं सकते बाजार में, एक बेस्ट क्वालिटी चीनी मानी जाती है वो गुटके वाली चीनी होती है, क्यूब्स उसको कहते हैं, शुगर क्यूब्स, इतने मोटे मोटे डेले होते हैं, कोई 5-स्टार होटल में जाएंगे तो जरूर मिल, वो शक्कर सबसे अच्छी क्वालिटी की हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं 9 से 9.5 रुपए किलो, भारत में वो आपको 40 रुपए किलो भी ना मिले। हम हमारा सब कुछ अच्छे से अच्छा माल कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं क्योंकि रुपए की कीमत कम है, डॉलर की कीमत ज्यादा है। तो एक तो नुकसान ये, दूसरा नुकसान क्या है कि जिन देशों से कर्ज ले रहे हैं उनकी एक और शर्त है, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हम मान लो अमेरिका से कर्ज लें तो अमेरिका की सरकार कहती है अच्छा ठीक है ये साल भारत हमसे इतना कर्ज लेगा, तो इतनी अमेरिका की कंपनियों को भारत में व्यापार करने का लाइसेंस देना पड़ेगा, ये दूसरी शर्त। अगर हम जर्मनी से कर्ज लें तो जर्मनी की इतनी कंपनियों को भारत में बुलाना पड़ेगा, जापान से कर्ज लें तो जापान की इतनी कंपनियों को बुलाना, जो देश से कर्ज ले वही देश की कंपनियों को भारत में बिजनेस करने के लिए बुलाना पड़ेगा।
तो हमारी सरकारों ने लाखों करोड़ों रुपए का ये जो कर्ज लिया है, इसी चक्कर में 4,500 विदेशी कंपनियों को भारत में बुला लिया और उन्होंने भारत के अनेक अनेक गांव में व्यापार शुरू किया है। अब ये आ गई है कंपनियां, इनको भारत का बहुत बड़ा मार्केट कौड़ी के भाव में मिल गया। जो मार्केट उनको कहीं दुनिया के देश में नहीं मिलता, वो भारत सरकार ने थाली में रखकर उनको परोस दिया कि आइए और इसको लूट के ले जाइए। हजारों हजारों करोड़ रुपए हर साल हमारे देश में से ये बाहर के देशों की कंपनियां लूट के ले जाने के काम में लगी हुई, और इसी नीति को हमारे देश में कहा जाता है उदारीकरण, वैश्वीकरण। अब क्या हो गया, 400 साल पहले एक विदेशी कंपनी आई थी, उसका नाम था ईस्ट इंडिया। वो हर साल 70 करोड़ रुपए लूट के ले जाती थी उस जमाने में। अब 4,500 विदेशी कंपनियां हैं, वो हर साल 90,000 करोड़ रुपए लूट के ले जाती है। माने जितनी लूट आजादी के पहले इस देश की नहीं हुई, उससे ज्यादा लूट आजादी के बाद हो रही है। और हमारी लूट हो रही है आजादी के बाद ज्यादा, और हम मना रहे हैं स्वर्ण जयंती आजादी की, या तो गणतंत्र दिवस की या तो किसी और दिवस। लूट हो रही है पहले से ज्यादा। ईस्ट इंडिया कंपनी 70 करोड़ लूट के ले जाती थी, आज 90,000 करोड़ लेके जा रहा है। और लूट के ले जाने के तरीके उनके अद्भुत हैं। मैंने आपसे कहा कि हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं, वो सामान बेचकर वो पैसा लूट के ले जा रहे हैं। जैसे हमारे भारत में भारत की सरकार ने जिन अमरीकी कंपनियों को व्यापार करने का लाइसेंस दिया है, उनमें से एक कंपनी है वो भारत के गांव गांव में आलू का चिप्स बेच रही है, पोटेटो चिप्स। अंग्रेजी में उसका नाम है रफल्स। एक रफल्स का आप पैकेट खरीदो 15 रुपए का आता है, और उसको खोल के निकालो तो 15 से ज्यादा चिप्स नहीं निकलते उसमें। 15 रुपए का आलू के चिप्स का पैकेट है, 15 चिप्स ही निकलते हैं। अगर उसको तौल लेंगे आप, तो तौल में वो 25 ग्राम के आसपास होता है। अब 15 रुपए में 25 ग्राम आलू का चिप्स, 50 ग्राम 30 रुपए में, 100 ग्राम 60 रुपए में, 1 किलो 600 रुपए में। 1 किलो आलू खरीदो तो 10 रुपए में, 1 किलो आलू का चिप्स 600 रुपए में। क्या हो रहा है, उदारीकरण, यही है उदारीकरण। 6 रुपए किलो का आलू है, 600 रुपए किलो आलू का चिप्स है। अगर 6 रुपए किलो के आलू का 600 रुपए किलो चिप्स बनाकर बेच रहा है कोई, तो कम से कम 1000% मुनाफा तो है ही, कम से कम। मेरे समझ में यह नहीं आता कि आलू का चिप्स ऐसी कौन सी बड़ी भारी टेक्नोलॉजी है जिसके लिए अमेरिका की कंपनी हमको चाहिए। हम तो घर घर में आलू का चिप्स बनाते हैं, लेकिन अब क्या हुआ है, घर का बनाया हुआ आलू का चिप्स घटिया है और रफल्स वाला बेस्ट क्वालिटी है, क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी का है। और उसका जाहिरात करने के लिए आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, करिश्मा कपूर, करीना कपूर सब तैयार हैं। घर वाले आलू का चिप्स का जाहिरात मां के अलावा कोई नहीं करता। मां बिचारी समझा समझा के घर का आलू का चिप्स खिलाए तो हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि करिश्मा कपूर का जाहिरात आ गया तो रफल्स चिप्स खाने में मजा आता है। हम चिप्स नहीं खाते हैं, करिश्मा कपूर की जो इमेज है वो खाने की कोशिश करते हैं, जो आलू के चिप्स के साथ जुड़ी हुई। एक ऐसे ही भारत सरकार ने विदेशी कंपनी को बुला लिया, वो टमाटर की चटनी बेच रही, उसका नाम है चटनी का मैगी। अब मैगी की चटनी खरीदो तो 200 रुपए किलो की है और बनती है टमाटर से, टमाटर 2 रुपए किलो का है। और जब भी फसल के समय में नासिक में जाके टमाटर खरीदो तो 50 पैसे किलो का है। 50 पैसे किलो में नासिक जिले के शेतकरी टमाटर को सड़क पे फेंक देते, क्योंकि ट्रक में भर के अगर बेचें बाजार में तो भाड़ा नहीं निकलता। तो 2 रुपए किलो का टमाटर, 200 रुपए किलो टमाटो सॉस। एक परदेशी कंपनी आके भारत में हेल्थ टॉनिक बेचती है, कॉम्प्लान, और उसका बहुत अच्छा जाहिरात आता, आई एम ए कॉम्प्लान बॉय। फिर एक बेबी कहती है, नो आई एम ए कॉम्प्लान गर्ल। अब कॉम्प्लान अगर बॉय और कॉम्प्लान गर्ल है तो समझिए ये विज्ञान का कौन सा नया चमत्कार है। कॉम्प्लान तो टिन का डिब्बा है, उसके बेटा बेटी कहां से हो सके, लेकिन वो जाहिरात में है। और ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के घर में कॉम्प्लान मिलेगा आपको। कॉम्प्लान क्या है, मूंगफली की खली से बनने वाला एक वस्तु, मूंगफली शेंगदाना, जिसका तेल निकालने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है वो बाजार से खरीदो 20 रुपए किलो का आता है, कॉम्प्लान के नाम पे 225 रुपए किलो बिक जाता है। ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र चीजें हमारे घरों में उन्होंने डाली है। बहुत सारी विदेशी कंपनियां आकर भारत में तरह तरह की क्रीम पाउडर, लिपस्टिक, नेल पॉलिश बेच रही है। फॉर एग्जाम्पल फेयर एंड लवली, 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए की, 50 ग्राम 80 रुपए की, 100 ग्राम 160 रुपए की, 1 किलो 1600 रुपए की। अब 1600 रुपए किलो फेयर एंड लवली और 150 रुपए किलो गाय का तूप, लोग गाय का तूप नहीं खा रहे हैं, 1600 रुपए किलो की फेयर एंड लवली लगा रहे हैं।
पूछो क्या कर रहे हो तो कह रहे हैं उदारीकरण कर रहे हैं, अपना वैश्वीकरण कर रहे हैं। गाय का घी मत खाओ, फेयर एंड लवली लगाओ। क्यों लगाओ? गोरापन आएगा, कोई गारंटी नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। क्योंकि मैंने फेयर एंड लवली लगा के देखा, एक मशी को 4 साल फेयर एंड लवली लगाया, आज तक गोरी नहीं हुई। इसकी क्या गारंटी है कि मनुष्य लगाएगा तो गोरा हो जाएगा? और अगर फेयर एंड लवली से सब गोरे होते तो अफ्रीका वाले क्यों काले हैं अभी तक? लेकिन लोग खरीद रहे हैं 1600 रुपए किलो की फेयर एंड लवली, 150 रुपए किलो गाय का घी नहीं खाएंगे। और अभी तो कई विदेशी कंपनियों ने आके पानी बेचना शुरू कर दिया है, जो एग्रीमेंट कहते हैं। और भारत सरकार को कहा कि इसको आप साइन कर दो, और भारत सरकार ने कहा नहीं साइन करेंगे तो कर्ज देना बंद कर देंगे। अब उस जमाने में जो सरकार थी उसके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, वाणिज्य मंत्री थे प्रणब मुखर्जी। वो सरकार के सामने कर्ज देने वाले देशों ने कहा या तो गेट करार साइन करो नहीं तो कर्ज नहीं देंगे। इनके सामने संकट ये था कि अगर कर्ज ना मिले तो ये बजट नहीं बना सकते। आपको याद है 1991 में तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि भारत की सरकार ने 47 मीट्रिक टन सोना गिरवी रख के कर्ज लिया था, इतनी खराब हालत। तो बिना कर्जे के तो ये कुछ नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने वो शर्त मंजूर कर लिया और गेट करार हस्ताक्षर कर दिया। अब गेट करार नाम का जो समझौता इन्होंने किया उसमें लगभग 2000 शर्तें हैं जिनको भारत सरकार को मानना है। उन्हीं में से एक शर्त है जो हॉलमार्क से जुड़ी हुई है। हमारे देश की सरकार ने 1994 में जो गेट एग्रीमेंट साइन किया है उसमें 2000 शर्तें हैं। उन्हीं में से एक शर्त है जो हॉलमार्क के साथ जुड़ी हुई है। 2000 शर्तें कैसी हैं? पहली शर्त यह है कि भारत के देश में किसानों को मिलने वाली जो सब्सिडी है उसे कम करते चले जाओ। दूसरी शर्त है भारत के देश में शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को मिलने वाली जो सब्सिडी है उसको कम करते चले जाओ। तीसरी शर्त है भारत देश में गरीब आदमी को इलाज करने के लिए मिलने वाली जो सब्सिडी है उसे कम करते चले जाओ। अब ये जो है तीनों शर्तें हैं इनको जरा समझ लें। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी अगर कम करते चले जाओ इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसानों को मिलने वाली यूरिया डीएपी खाद की कीमत बढ़ाते चले जाओ। इसका अर्थ है किसानों के काम आने वाली कीटनाशक जंतुनाशक दवाओं की कीमतें बढ़ाते चले जाओ। इसका अर्थ है किसानों के काम आने वाली बिजली की कीमतें बढ़ाते चले जाओ। सब्सिडी कम होने का सीधा असर है कीमतों का बढ़ना। सरकार को यह कहा गया है कि गरीब कंज्यूमर को मिलने वाली रसोई गैस के सिलेंडर की जो सब्सिडी है उसको कम करते चले जाओ, तो इसका माने रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ाते चले जाओ। आपको याद है ये रसोई गैस का सिलेंडर एक जमाने में 70 रुपए का मिलता था, आज वही सिलेंडर 270 रुपए का है क्योंकि सब्सिडी कम हो गई। किसानों को मिलने वाली एक क्विंटल यूरिया खाद 100 किलो 1991 में अधिक से अधिक 100-125 रुपए में आती थी 100 किलो यूरिया, आज वही 100 किलो यूरिया लगभग 500-550 रुपए। 1991 में 100 किलो सुपर फॉस्फेट कम से कम 250 रुपए की आती थी, आज वही 1400 रुपए की, 1500 रुपए। तो सब्सिडी कम करने का माने है हर चीज की कीमत बढ़ना। इसी तरह से शिक्षा में सब्सिडी कम करो तो शिक्षा में सब्सिडी कम करने का अर्थ है फीस का बढ़ाना। तो सरकार ने क्या किया, हर इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस बढ़ा दिया, हर मेडिकल कॉलेज का फीस बढ़ा दिया। मेरे जमाने में जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फीस लगती थी तो एक साल की फीस 350-400 रुपए होती थी इंजीनियरिंग कॉलेज में। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री लेने वाले या देने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में साल की फीस 350-400 रुपए थी। आज उन्हीं सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में साल की फीस 35,000 रुपए हो गई है डोनेशन अलग से। इसी तरह मेडिकल कॉलेजेस में 1984-85 में एमबीबीएस का कोई भी कोर्स करने वाले विद्यार्थी को साल की फीस 1200-1300 रुपए थी, आज वही 80-90 हजार रुपए हो गई डेंटल कॉलेजेस में हो गए। तो फीस बढ़ी उसके साथ डोनेशन भी बढ़ गया क्योंकि सब्सिडी कम कर दिया। इसी तरह से रेल और बस के भाड़े में जो सब्सिडी मिलती थी वो चली गई तो रेल बस के भाड़े का किराया बढ़ गया। सब्सिडी कम होने का सीधा अर्थ होता है महंगाई बढ़ना। तो सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ा दिया है कि अब गरीब आदमी को नमक खरीदने के लिए भी सोचना पड़ रहा है क्योंकि जो नमक पहले 50 पैसे किलो मिल जाता था अब वही 7 रुपए किलो हो गया। बंबई जैसे शहर में तो 17 रुपए किलो नमक है। इतनी महंगाई 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 बढ़ने का एक ही कारण है सब्सिडी कम होना। सब्सिडी कम होने की शर्त कहां से आई है? गेट करार से। अब ऐसे ही उसमें 2000 शर्तें हैं मैंने आपसे कहा, उसमें एक शर्त है जिससे हॉलमार्क जुड़ा हुआ है।
वो शर्त क्या है? गेट एग्रीमेंट में 28 एग्रीमेंट है, छोटे छोटे सब एग्रीमेंट कहेगा, उनमें से एक एग्रीमेंट है एग्रीमेंट ऑन सर्विसेज और एक है एग्रीमेंट ऑन काउंटरफिट गुड्स, कि भारत में होने वाले सभी व्यापार में अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करो, ये है शर्त। भारत में होने वाले सभी व्यापार में अंतरराष्ट्रीय मानकों को लागू करो, इसका अर्थ क्या है? अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का मानक हॉलमार्क है तो भारत में भी उसी को लागू करो। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मसाले का मानक कोई एग मार्क है तो भारत में भी उसको लागू करो। अंतरराष्ट्रीय बाजार में किसी चीज का कोई मानक है भारत में उसको लागू करो। तो शर्त यह है, इसी शर्त को लागू करने के लिए भारत देश की सरकार ने यह हॉलमार्क का लाया है कानून, और यह लगाने के लिए अभी सरकार कहती है कि 25% आपके आभूषणों पर इसको लगाओ ये साल से। थोड़े समय के बाद सरकार कहेगी 50% पे लगाओ दो साल के बाद, और फिर दो साल गुजर जाने दीजिए तो कहेंगे आप 100% पे लगाओ। अभी शुरू में सरकार को यह मालूम है कि यह हॉलमार्क का अगर हमने कंपलसरी किया तो विद्रोह हो सकता है, क्योंकि भारत में एक दो नहीं लाखों की संख्या में स्वर्णकार बंधु हैं। तो सरकार ने कहा कि अभी ऑप्शनल करो, थोड़े दिन में जब ये आ जाएगा चलन में तो कंपलसरी कर देंगे। ये तरीके होते हैं। अब ये तरीके से सरकार कर क्या रही है? आखिरकार सरकार को अमेरिका और यूरोप के देशों का दबाव है कि भारत का बाजार आपको खोलते जाना है उनकी कंपनियों के लिए। तो अमेरिका और यूरोप की कंपनियां भारत में आकर अब सोने का धंधा करना चाहती है, अमेरिका और यूरोप की कंपनियां आकर हीरे जवाहरात का धंधा करना चाहती है। अमेरिका और यूरोप की कंपनियां अभी तक तो आई थी पानी का धंधा करने, चॉकलेट का धंधा करने, कॉस्मेटिक्स बेचने के लिए। अब उन्होंने देख लिया है कि भारत में हमारा सभी तरह का धंधा अच्छा चल सकता है, तो अब वो बोलते हैं कि सोने चांदी के धंधे में भी उनको आना है। उनको आना है तो कब आ सकेंगे? जब उनके आने के लिए स्पेस हो। स्पेस कब होगा? जब मार्केट से आप जैसे लोग खत्म होते चले जाए तब उनके लिए स्पेस बनेगा, अन्यथा कैसे होगा? कोई आकर आपके घर में रहना चाहता है, उसकी दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो आप अपना आधा घर खाली कर सके दो उसको, और या तो आप घर से निकल जाओ और आने वाले के लिए पूरा घर सुपुर्द कर दो। यही होता है, बाहर से आने वाली कंपनी जब कोई नया बिजनेस शुरू करती है तो उस बिजनेस में रहने वाले लोग या तो बिजनेस छोड़ के जाएं, या तो वो कंपनी आपके सामने परिस्थिति ऐसी पैदा कर दे कि आप बिजनेस ना कर पाए तो उनके लिए मार्केट खुल जाए। अंग्रेजों ने यही किया था। अंग्रेजों ने भारत में आकर जब कपड़े का व्यापार शुरू किया तो अंग्रेजी कपड़ा भारत में बिकता नहीं था, क्योंकि क्वालिटी में अच्छा नहीं होता था। भारत का कपड़ा क्वालिटी में बहुत अच्छा था इसलिए ज्यादा बिकता था। तो अंग्रेजों ने भारत में आकर अंग्रेजी सरकार के जो कानून बनाए उन कानूनों में कुछ ऐसे नियम डाल दिए गए ताकि कपड़े का व्यापारी हिंदुस्तान में खत्म हो जाए। जैसे एक कानून यह बनाया गया कि हाथ से कपड़े बुनने वाले जो कारीगर हैं उनके अंगूठे काट लो। आपको मालूम है यह कानून बना था भारत में 1890 में। भारत के सभी राज्यों में जो अंग्रेजों के द्वारा चलाए जाते थे कानून बनाया गया कि हाथ से कपड़े बुनने वाले कारीगरों के अंगूठे काटो। तो सरकार ने एक बड़ा अभियान चलाया अंगूठे काटने का, और जिनके अंगूठे कट गए उनका कपड़ा बनना बंद हो गया। कपड़ा बुनना बंद हो गया तो अंग्रेजी कपड़ा भारत में बिकना शुरू हो गया। फिर अंग्रेजी कपड़ा मिल भी यहां पर चालू हुई और वो इतने तेजी से बढ़ी कि भारत में अंगूठे रहे। तो कानून इस तरह के बनाओ कि आप खत्म हो जाओ ताकि उनके लिए रास्ता बने। भारत के व्यापारियों को खत्म करना है और अंग्रेजी व्यापार भारत में बढ़ाना है तो अंग्रेजों ने कानून बनाया। एक कानून यह बनाया कि भारत के व्यापारियों पर टैक्स ज्यादा लगाओ और अंग्रेजी व्यापारियों को टैक्स फ्री करो भारत। तो भारत के व्यापारियों पर टैक्स लगाने के लिए अंग्रेजों ने कानून बनाने शुरू किए। सबसे पहला कानून बनाया, भारत का कोई भी उद्योगपति कुछ भी सामान उत्पादन करे तो उत्पादन पर ही टैक्स लगाओ पर। तो एक्साइज ड्यूटी का कानून अंग्रेजों ने लगा दिया। एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद अंग्रेजों ने दूसरा कानून बनाया कि भारत का कोई भी उद्योगपति अगर उत्पादन करता है तो बिक्री भी करेगा तो बिक्री पर टैक्स लगाओ, तो सेल्स टैक्स लगाया।
फिर तीसरा कानून बनाया कि कोई भी उद्योगपति बिक्री कर रहा है तो मुनाफा कमाएगा, तो मुनाफे पर टैक्स लगाओ, तो इनकम टैक्स लाया। फिर उसके बाद अगर कोई व्यक्ति उत्पादन कर रहा है और बिक्री कर रहा है तो निश्चित रूप से एक गांव से दूसरे गांव में माल लेके जाएगा, तो माल के लाने ले जाने पर टैक्स लगाओ। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी और टोल टैक्स और रोड टैक्स उसी में से आया। फिर उन्होंने कहा कि भारत का व्यापारी जो गांव में उत्पादन कर रहा है उस गांव के नाम पर कुछ टैक्स लगा दो, लोकल टैक्सेस लगा दो। इस तरह से भारत के व्यापारियों पर तो नए नए टैक्स लगाते गए। अंग्रेजी व्यापारियों को भारत में पूरा टैक्स फ्री छोड़ दिया, तो अंग्रेजी व्यापारियों का व्यापार पनप गया, भारतीय व्यापारी सब डूब गए और धीरे धीरे इतने डूब गए कि जो भारत दुनिया में हर कुछ निर्यात करने वाला देश था वो सब कुछ आयात करने वाला देश बन गया। अंग्रेजों ने जो कुछ किया इस देश में भारत का व्यापार समाप्त करने के लिए, वही काम अब भारत की सरकार ने शुरू किया है, बस नाम फर्क हो गया है। पहले वो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हुआ था, अब ये सब काम WTO के नाम से हो रहा है, विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के नाम पर हो रहा है। विश्व व्यापार संगठन की सारी शर्तों का एक ही निचोड़ है, भारत का व्यापार और उद्योग समाप्त होता जाए और विदेशी व्यापारी एक एक करके भारत के सब व्यापार को खत्म करने की साजिश, षड्यंत्र WTO के नाम पर। आपको खत्म करना है तो आपके लिए हॉलमार्क आ गया। अभी देखिए मैं आपको कई उदाहरण देता हूं। भारत में छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले कई कई तरह के लोग हैं। एक लोग हैं हिंदुस्तान में जिनको केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट कहते। आप जानते हैं हर छोटे छोटे गांव में दवा की एक दुकान तो है, और कोई आदमी कुछ नहीं है तो 10-20 हजार रुपए की पूंजी से धंधा शुरू करने वाले दवा की दुकान वाले गांव गांव में बैठे। अंग्रेजों ने और यूरोपियन कंपनियों ने देख लिया कि भारत में ये जो दवा का बिजनेस करने वाला नेटवर्क बहुत बड़ा है, इसको खत्म करना। इसको खत्म करने के लिए WTO की शर्त में एक स्टैंडर्ड डाल दिया है, और वो स्टैंडर्ड ये है कि आपके पास दवा की दुकान चलाने का लाइसेंस तब होगा जब मिनिमम स्पेस आपके पास होगा, उसमें एयर कंडीशन होना चाहिए, एयर कंडीशनर होने के लिए ये कंडीशन होने चाहिए, और उसके लिए इतने एक रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब इसमें नतीजा क्या निकलने वाला है, 2 साल के बाद आप देखना गांव गांव के छोटे दवा व्यापारी सब दुकान बंद करके बैठ जाएंगे। तो क्या होने वाला है, बड़ी दवा कंपनियों को गांव गांव में अपनी दुकानें खोलने का रास्ता खुल जाएगा। अगर आप यही एक कंडीशन डाल दें कि गांव में छोटी दवा की दुकान रह नहीं सकती, बड़ी ही दवा की दुकान होगी, इतने फिट लंबी, इतने फिट चौड़ी, आपने देखा स्पेसिफिकेशन आ गया, महाराष्ट्र में बहुत कड़ाई से उसको लागू किया जा रहा है कि इतने फिट लंबी कम से कम होनी चाहिए, इतने फिट चौड़ी होनी चाहिए, कम से कम 2 AC होने चाहिए, 4 रेफ्रिजरेटर होने चाहिए। अब 2 AC 4 रेफ्रिजरेटर रखने का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो उसका टोटल प्रॉफिट से ज्यादा बैठता है, वो तो धंधा बंद करके बैठने वाला है, क्योंकि जितनी बिजली वो खर्च करेगा उतना तो कमाई नहीं है उसको उस दुकान में। तो अंतिम परिणाम क्या है कि छोटी छोटी दवा की दुकानें बंद। तो बड़ी बड़ी दवा की दुकानें खोलने के लिए फाइजर कंपनी आ गई, ग्लैक्सको आ गई, सीबा गाइगी आ गई, स्मिथ लाइन बीचम ये आ गए। इसी तरह से हॉलमार्क उन्होंने लाया है। हॉलमार्क का मतलब है हिंदुस्तान के लाखों लाखों छोटे छोटे स्वर्णकार जो गांव गांव में बैठ के हजारों वर्षों से कुछ धंधा कर रहे हैं, उनका बिजनेस खत्म करके बड़ी बड़ी कंपनियों का बिजनेस एस्टेब्लिश कराना। और मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि इस हॉलमार्क बिजनेस को विदेशी कंपनियों के हित में भारत की कुछ स्वदेशी बड़ी कंपनियों ने भी प्रमोशन देना शुरू किया, जैसे तनिष्क, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। टाटा ग्रुप अपने आप में स्वदेशी है, लेकिन उन्होंने काम वही शुरू किया है जो विदेशी करते हैं। तनिष्क वाले इस समय हॉलमार्क के फेवर में पूरे देश में कैंपेन चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि उनका कंपटीशन आपके साथ है। आपके साथ उनका कंपटीशन पता है क्यों है? इसलिए है कि आप बहुत मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन में व्यापार करते हैं। तनिष्क वाले मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन में व्यापार नहीं करते, उनके प्रॉफिट मार्जिन 1000% में है। तो उनके प्रॉफिट मार्जिन 1000% में है, आप 10-20% में व्यापार करने वाले लोग हैं। अब ये 10-20% के व्यापार करने वालों से 1000% के वाले तो कभी कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो कंपटीशन तो वो कर नहीं सकते, तो दूसरे रास्ते से खत्म करो इनको। दूसरा रास्ता ये है कि हॉलमार्क ले लो। अब तनिष्क वालों को हॉलमार्क लेना तो बहुत आसान है, क्योंकि करोड़ों रुपए का बिजनेस है, 20,000 रुपए की फीस देना साल में उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो तो 20,000 क्या, 2 लाख रुपए साल
पूरे हिंगोली जिले के किसी छोटे गांव में बैठा हुआ एक सुनार जो दिन में 50 रुपए कमाता है वो कहां से 20,000 की फीस भरेगा। तो वो सुनार तो गया काम से। और ये कैसे करना है? कानून बना के करना है। अगर ऐसे ही कोई विदेशी आ जाए और आपकी दुकान को लूटपाट के बर्बाद कर दे या चोरी उचक्के में आपका सब खत्म कर दे या आग लगा दे, आप हल्ला करोगे लूट हो रही है। अगर कोई विदेशी आ जाए और कानून ऐसा बना दे जिसमें दुकान ही बंद हो जाए तो कोई नहीं कहेगा लूट हो रही है। क्या कहेंगे? हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, उसमें आपकी दुकान बंद हो गई तो हम क्या करें? देखिए ये बड़ा सुंदर शब्द है, कानून का पालन। अगर एक कानून बना दिया जाए कि हर बड़ा आदमी छोटे की जेब काटेगा, ठीक है, आप कल्पना करो। कानून तो किसी भी तरह के बनाए जा सकते हैं, मोस्ट इडियोटिक से इडियोटिक कानून बनाए जाते हैं दुनिया में। अगर एक कानून बना दिया जाए कि हर बड़ा आदमी छोटे आदमी की जेब काटेगा और फिर सरकार कहे हम तो इसको लागू करेंगे, और आप अगर विरोध करेंगे तो गैरकानूनी हो जाएंगे, और गैरकानूनी हो जाएंगे तो जेल आपके लिए तैयार है, आ जाइए जेल में भर देंगे, ठीक है। और अगर कानून ना बनाया जाए और ऐसे ही मौखिक आदेश दे दिया जाए हर बड़ा आदमी छोटे की जेब काटेगा तो क्या होगा? तो बवंडर हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, ब्लड बाथ हो जाएगा, खून खचरा हो जाएगा। तो सरकार कहती है खून खचरे से बचना है, कानून बना दो। और ऐसे ही मौखिक आदेश दे दिया जाए हर बड़ा आदमी छोटे की जेब काटेगा तो क्या होगा? तो बवंडर हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, ब्लड बाथ हो जाएगा, खून खचरा हो जाएगा। तो सरकार कहती है खून खचरे से बचना है, कानून बना दो। अंतिम रिजल्ट तो एक ही निकलने वाला है कि बड़ा आदमी छोटे की जेब काट लेगा या बड़ी मछली छोटे को खा जाएगी, अंतिम रिजल्ट तो यही है। तो छोटे छोटे स्वर्णकार जो बंधु हैं उनको खत्म करने के लिए बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहन करना, उसके लिए कानून बना दो हॉलमार्क का। छोटे लोग कभी हॉलमार्क ले नहीं पाएंगे, ये गारंटी की बात है। और बड़े लोगों को हॉलमार्क लेना बहुत आसान है क्योंकि हजारों करोड़ का बिजनेस है तनिष्क का, 20,000 रुपए साल का खर्च करना उनके लिए मुश्किल है। और तनिष्क वालों ने अमेरिका की कुछ कंपनियों के साथ गठबंधन कर रखा है। 2005 में ये तनिष्क वाले क्या कर रहे हैं, अमेरिका की कुछ कंपनियों को अपने साथ प्रमोट करने के लिए तैयार है। इनका ब्रांड नेम इस्तेमाल करके अमेरिका की कंपनियां बिजनेस करेंगी यहां पर, थोड़े दिन में वो उनके साथ बिजनेस करेंगे, बाद में वो बिजनेस अलग अलग कर लेंगे या तनिष्क को वो टेक ओवर कर लेंगे या तनिष्क उसमें मर्ज हो जाएगा और अल्टीमेटली अमेरिका की कंपनियों के लिए रास्ता खुल जाएगा। आपको मालूम नहीं है हिंदुस्तान में करीब करीब 500 से ज्यादा अमेरिका की आभूषण का व्यापार करने वाली कंपनियां तैयार बैठी है हिंदुस्तान में घुसने के लिए। उनको एक ही रास्ता साफ चाहिए कि छोटे व्यापारी जो उनको कॉम्पीट कर सकते हैं वो नहीं चाहिए, उनको कंपटीशन से हटाना है तो ये कानून लाना है। और इनको कानून लाने के साथ हटाना वो एक तरीका, दूसरा तरीका है बदनाम करके हटाना। आपकी बदनामी शुरू, बदनामी कैसी? हॉलमार्क नहीं है इसका माने आपका सोना शुद्ध नहीं, ये है। हॉलमार्क नहीं है इसका माने आपका सोना शुद्ध नहीं है। ये कुछ इसी तरह की स्थिति है कि कोई व्यक्ति ने धर्म स्वीकार किया है दूसरा, तो जब तक उस धर्म के बड़े व्यक्ति ने ठप्पा नहीं लगाया तब तक आप असली वो धर्म के नागरिक नहीं। हिंदू से कोई क्रिश्चियन हुआ या हिंदू से मुसलमान हुआ या मुसलमान से हिंदू हुआ या मुसलमान क्रिश्चियन से हिंदू हुआ, तो जब तक किसी धर्म गुरु के ठप्पे नहीं लगते तब तक आप मानते नहीं ना कि यह असली हिंदू है असली मुसलमान। वैसा ही है कि जब तक कोई बड़ी कंपनी की मोहर नहीं है तब तक यह असला सोना असली सोना नहीं है या असली सोने का आभूषण नहीं, तो आप नकली बेच रहे हैं, नकली बेच रहे हैं तो बदनामी शुरू। बदनामी करने में वो तो पीछे हैं, आपके ही लोग आपके सामने हैं, उपभोक्ता संस्थाएं, उनको खड़ा कर दिया आपके खिलाफ। देखिए कितने चतुर लोग हैं, वो आकर अगर आपकी बदनामी करें तो आप बहुत आसानी से पूरे देश में यह प्रचार कर सकते हो कि ये विदेशी लोग अपने स्वार्थ के लिए बदनामी कर, उन्होंने अपने सामने आपके सामने आया ही नहीं है, उन्होंने आपके ही देश के कुछ लोगों को खड़ा कर दिया आपके खिलाफ, वो आपकी बदनामी में लग गए। और बदनामी ऐसी कि सब स्वर्णकार चोर हैं, कैरेट मीटर इस्तेमाल नहीं करते, हॉलमार्क इस्तेमाल नहीं करते, तो उपभोक्ता संस्थाएं आपके खिलाफ पूरे देश में प्रचार करें, 2-3 साल ये प्रचार सतत, वो भी मानने लगे कि हाँ आप थोड़ी चोरी तो कर ही रहे, क्योंकि एक झूठ को अगर बार 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 बोला जाए तो थोड़े दिन में सच लगने लगता।
ये बात अगर बार 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 आएगी इस देश में, चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, स्वर्णकार चोर हैं, तेल बेचने वाले चोर हैं, हमारे देश में मसाला बेचने वाले चोर हैं, सब व्यापारी चोर हैं, चोर हैं, ये कहने वाला एक वर्ग तो है सरकारी वर्ग। अब आपके ही देश का एक नया वर्ग खड़ा हो जाए ये कहने के लिए, धीरे धीरे हिंदुस्तानी मानने लगे कि हाँ आप चोर ही हैं, तो तुरंत आपसे छोड़कर बिजनेस वो वहां चला जाए। कि तनिष्क वाला तो बहुत ईमानदार है, देखो हॉलमार्क भी दे रहा है, कैरेट मीटर भी इस्तेमाल कर रहा, चलो इन्हीं के यहां से खरीदो। अब आपका एक ग्राहक टूटा, दो टूटे, दस टूटे, सौ टूटे, हजार टूटे, गांव के गांव टूटे, परिवार टूटे, फिर आपके लिए कोई स्पेस नहीं। आपके ही खिलाफ घृणा पैदा करके आपके ही लोगों को इस्तेमाल करना, ये बहुत बड़ी चतुराई विदेशी लोगों को आती है और हमको ये समझ में कभी नहीं आती। ये सारा खेल एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। षड्यंत्र ये है कि हिंदुस्तान को फिर से गुलाम बनाना है, जैसे कभी अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था, वैसे ही अब अमरीका और अमरीका के सहयोगी देश इस देश को वैसे गुलाम बनाने की कोशिश में है। और वो गुलाम बनाने के पीछे कारण क्या है? उनका लालच, क्योंकि ये अकेला दुनिया का एक ऐसा देश है जहां हर चीज प्रकृति ने दी है, बहुत कम कीमत पर उपलब्ध है, जिसको कच्चा माल कहते हैं, और इस देश का इतना बड़ा बाजार है जो अमेरिका के पास कभी होने वाला नहीं। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन 27 करोड़ है और भारत के दो राज्यों की पॉपुलेशन अमेरिका से बड़ी है। 103 करोड़ की पॉपुलेशन का मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट उनको कहां मिलेगा दुनिया में, एक ही जगह पर। और इतने मूर्ख नेताओं के द्वारा संचालित मार्केट उनको कहां मिलेगा दुनिया में, एक तो इतना बड़ा मार्केट और वो भी संचालित मूर्खों के द्वारा, जिनको थोड़ा भी गाइडेंस दो तो उल्टी दिशा में चलना शुरू करें। तो एक तो हमारे मूर्ख नेता, ऊपर से इतना बड़ा मार्केट और भारत की भोली भाली जनता जिसको उन्नू बनाना बहुत आसान। यहां तो ऐसे ऐसे विदेशी आते हैं जो मिट्टी को सोना बेचकर लूट के ले जाते हैं इस देश में। अब सोचो ना, आपका पानी आपको बेचकर 1000% मुनाफा कमा के ले जाएं, ये दुनिया में कहीं देखा है आपने? पेप्सी कोला, कोका कोला, थम्सअप की 156 फैक्ट्रियां भारत में हैं, अनेक अनेक गांव में हैं, पानी हमारे जमीन के नीचे से खींच रहे हैं, वही पानी हमको बेच रहे हैं, 1000% मुनाफा लूट के ले जा रहे हैं, और पानी में भी जहर मिला है फिर भी लोग पी रहे हैं। ये अद्भुत देश है। भारत की 5 वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं ने पेप्सी, कोक, थम्सअप, लिम्का, सिट्रा के बारे में सिद्ध किया है कि ये जहर है, क्योंकि पेप्सी, कोक, थम्सअप, लिम्का, सिट्रा, मिरिंडा में कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते हैं जो अत्यंत जहरीले हैं। उदाहरण के लिए पेप्सी, कोक, थम्सअप में केमिकल मिलाया जाता है क्लोरोपाइरीफॉस। ये क्या केमिकल है? ये वो केमिकल है जिससे कछुआ छाप, मच्छर, अगरबत्ती बनती, वो मिलाया जाता है पेप्सी को। दूसरा एक केमिकल मिलाया जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये क्या केमिकल है? ये वो केमिकल है जिससे गुड नाइट नाम का मॉस्किटो रिपेलेंट बनता है। फिर एक केमिकल उसमें मिलाया जाता है डीडीटी। डीडीटी वो केमिकल है जो मच्छर मारने के काम में आता है। डीडीटी वो केमिकल है जो मच्छर मारने के काम में आता है। फिर एक केमिकल उसमें मिलाते हैं मेलाथियान, और एक मिलाते हैं एंडोसल्फान। ये मेलाथियान और एंडोसल्फान वो केमिकल है जो कपास की फसल पर कीड़े आने के बाद छिड़का जाता है, स्प्रे किया जाता है, वो पेप्सी कोक में मिलाते हैं। और वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि दुनिया के तमाम देशों में पेप्सी कोक में जितना जहर है, भारत में उससे 81 गुना ज्यादा है। इतना भयंकर जहर मिला के वो बेचे। और जिस लेबोरेटरी ने ये रिपोर्ट बनाया वो भारत की सरकार की सबसे प्रतिष्ठित संस्था है, CFTRI, सेंट्रल फूड फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनकी रिपोर्ट है। और वो बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर लगातार पेप्सी कोक पिए तो उसको 48 रोग हो गए कंपल्सरी। पहला रोग ये है, लगातार पेप्सी कोक पीने से आदमी नपुंसक होता है, वीर में शुक्राणुओं की संख्या लगातार कम होती है। 10 साल पेप्सी कोक पीने के बाद तो शुक्राणुओं की संख्या शून्य होती है, और यह सिर्फ पुरुष में ही नहीं होता, महिलाओं में भी होता। लगातार कोई महिला पेप्सी कोक पीती रहे उसमें अंडाणु बनना बंद हो जाते हैं, वो मां नहीं बन सकते,
और कोई पुरुष बाप नहीं बन सकता, इतना खतरनाक रोग है वो, पेप्सी कोक पीने से होता है, CFTRI रिपोर्ट। दूसरा वो बोलते हैं कि लगातार पेप्सी कोक पियो तो किडनी डैमेज होती है, लीवर डैमेज होता है, लगातार पेप्सी कोक पियो तो कैंसर होता है, सेरिब्रल फॉल्सी नाम की डिसीज होती है, पैरालिसिस हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, अर्थराइटिस तो कंपल्सरी होता है। 48 ऐसे खतरनाक रोग होते हैं पेप्सी कोक पीने से। वो पेप्सी कोक भारत में बिकता है, 5,000 करोड़ रुपए हर साल वो बेचकर मुनाफा लूट के ले जाते हैं, पानी हमारा ही इस्तेमाल करते हैं, हमको ही बेचते हैं, जहर बेच के मुनाफा ले जाते हैं, और मूर्ख नेता हिंदुस्तान में उसको बेचने का लाइसेंस देते हैं, ऐसा देश उनको कहां मिलेगा दुनिया में? मूर्ख नेता हिंदुस्तान में उसको बेचने का लाइसेंस देते हैं, ऐसा देश उनको कहां मिलेगा दुनिया में? आप देखो ना, और हमारे ही नेता उनकी वकालत करते हैं, नहीं नहीं पेप्सी तो बहुत अच्छा है, कोका कोला तो बहुत अच्छा है, वैज्ञानिक कहते हैं जहर है, नेता कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छा है। टीवी पे रोज ये द्वंद चलता रहा 6 महीने। भारत सरकार के कई नेताओं ने सिद्ध किया कि पेप्सी कोक एकदम शुद्ध है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि इससे खतरनाक कोई जहर नहीं, फिर भी नेता कहते हैं कि हम इसका लाइसेंस रद्द नहीं करेंगे भले ही ये जहर है। तो ऐसा देश तो उन्हें कोई मिलने वाला नहीं दुनिया में, जहां जहर बेचने में भी कोई सजा ना हो, आप थोड़ा भी कुछ मिलावट करो तो आपको जेल हो जाए, और विदेशी कंपनी आके खुलेआम जहर बेचे और हमारे नेता कहें कि उनका लाइसेंस रद्द नहीं हो सकता, आपको ऐसा अद्भुत देश कहीं मिलेगा देखने को? गांधी साहब कह रहे थे कि कानून सबके लिए समान होता, बिल्कुल नहीं होता, गरीब के लिए अलग कानून है और पैसे वाले के लिए अलग कानून। इसी हिंदुस्तान में साधारण व्यापारी थोड़ी मिलावट करते हुए पकड़ा जाए तो जितने कठोर केस बन सकते हैं बना दिए जाएंगे, और दो विदेशी कंपनियां 14 साल से पानी में जहर मिला के बेच रही है, एक भी केस इस देश में बना नहीं। और हमने जब पिटीशन किया हाईकोर्ट में, जज ने सुनने से मना कर दिया, यह बोल दिया कि मैं इसकी कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं, इसलिए मैं सुनता नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया, उसके बाद बेंगलोर हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट कहता है गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव राइट है, हम इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते। ये अदालतों की स्थिति है। तो पेप्सी कोक की मिलावट के खिलाफ हम केस करें, कोर्ट सुनने को तैयार नहीं, नेता कहते हैं हम इनका लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते, साइंटिस्ट कहते हैं कि इसको पीने से सबसे खतरनाक बीमारी होती है, और विदेशी कंपनियों को लूट की खुली छूट है, और उसके बावजूद बेशरम ऐसे लोग हमारे देश में जो उनका रात दिन जाहिरात करने को तैयार है, अमिताभ बच्चन, आमिर खान ठंडा मतलब कोका कोला, सलमान खान, शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, इनको कोई शर्म नहीं। तेंदुलकर को कहा गया कि भाई अब तो रिपोर्ट आ गई है कि ये जहर है, उसने कहा तो क्या हुआ, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है तो मैं मेरे अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं। तेंदुलकर का ये बयान है। अमिताभ बच्चन कहता है कि मैं तो पैसे के लिए कुछ भी करता हूं, फिल्म में एक्टिंग करता हूं तो पेप्सी का भी विज्ञापन करता हूं। और इन लोगों की बेशर्माई देखो, अमिताभ बच्चन यहां तक विज्ञापन करता है, एक कैडबरीज नाम की कंपनी का चॉकलेट, उसका विज्ञापन आता है तो वो बोलता है कि मैं पिछले 60 बरस से कैडबरीज खाता हूं, हां विज्ञापन में बोलता है, और अमिताभ बच्चन का कुल उम्र 60 बरस है, और 60 बरस से कैडबरीज चॉकलेट खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि जिस दिन उसका जन्म हुआ उसकी आई ने सीधे उसके मुंह में कैडबरीज का चॉकलेट दे दिया, खा लो। माने इस हद तक इडियोटिक कोई आदमी हो सकता है वो अमिताभ बच्चन, और वो इस देश में रोल मॉडल है, हीरो है, उसको सारे पुरस्कार हैं सरकार की तरफ से, सचिन तेंदुलकर को सारे पुरस्कार हैं, भले वो जहर बेचने के लिए हिंदुस्तान में गांव गांव घूम रहा है, पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर है सचिन तेंदुलकर, कोका कोला का ब्रांड एम्बेसडर है आमिर खान, कैडबरीज का ब्रांड एम्बेसडर है अमिताभ बच्चन, और ये तीनों ही जहर है। कैडबरीज का रिपोर्ट अभी NCL पुणे की लेबोरेटरी ने बनाया कि इसमें कई तरह के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कैडबरीज में, कोई भी बच्चा खाए तो डायरिया डिसेंट्री हो सकती है, और जब पकड़ा गया उनका नमूना और सैंपल तो उसमें सच में वायरस निकले, लेकिन कैडबरीज का कोई अधिकारी जेल के सीकचे के पीछे गया आपको मालूम है? हमारे हिंदुस्तान में आज से कुछ वर्ष पहले दिल्ली में खुले हुए तेल में मिलावट है,
ऐसा बोलकर 36 व्यापारियों को जेल के अंदर भेज दिया गया और वो अभी भी बाहर नहीं आए। और कैडबरीज की चॉकलेट की मिलावट को सिद्ध किया एनसीएल लेबोरेटरी ने। आज तक कैडबरीज का एक भी अधिकारी पकड़ा नहीं गया। कानून इस देश में सबके लिए समान नहीं है। पैसे वालों के लिए जिनकी राजनीतिक लोगों से सांठगांठ है उनके लिए कानून अलग है, गरीबों के लिए अलग है। तेलगी अपहरण कांड देख लो, तेलगी ये जो स्कैम हुआ वो देख लो ना। तेलगी चूंकि पैसे वाला आदमी है तो जेल के अंदर उसको सारी 5-स्टार सुविधाएं और वो दिलाने वाले पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के नीचे डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर जिनको अभी अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस वालों को चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए कि इतने बड़े क्रिमिनल को जेल के अंदर 5-स्टार फैसिलिटीज और गरीब आदमी को पकड़ के उसको 3rd degree का टॉर्चर। तो ये हिंदुस्तान तो एक अद्भुत देश है। विदेशी कंपनियों को इतना अच्छा देश मिला है धंधा करने के लिए, जहां की लीडरशिप बिकी हुई है और इतनी बिकी हुई लीडरशिप है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी हिंदुस्तान में भारत की बिकी हुई लीडरशिप का एक नमूना देता हूं। अमेरिका की एक कंपनी आई, उसने भारत के नेताओं को समझाया कि हर हिंदुस्तानी को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगना बहुत जरूरी है क्योंकि सबको हेपेटाइटिस बी होने की संभावना। अच्छा, भारत के वैज्ञानिक कहते हैं कि हेपेटाइटिस बी नाम की बीमारी भारत में होती नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह बीमारी नहीं होती। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहती है कि हेपेटाइटिस बी नाम का बीमारी भारत में होता नहीं। और अगर 1,00,000 मरीज आप ढूंढ के लाओ हेपेटाइटिस के, तो उसमें से एक मरीज मिलेगा हेपेटाइटिस बी का, 1,00,000 में से एक, माने होने की संभावना बहुत न्यूनतम। और सबको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगवा दिया इसके और कंपल्सरी करवा दिया। और अद्भुत देखो इस देश की ताकीर कि उस हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन कंपल्सरी लगवाने के लिए हमारे ही देश की सामाजिक संस्थाओं ने बढ़ चढ़ के काम किया। कोई ये क्लब, कोई वो क्लब, कोई एक्स क्लब, कोई वाई क्लब, कोई जेड क्लब, लगाओ सबको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, जरूरत नहीं है फिर भी लगाओ। अच्छा, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया जाता है उसके पहले एक टेम्पलेट जो कंपनी के द्वारा जारी किया गया पूरे दुनिया में, उसमें लिखा हुआ है कि हेपेटाइटिस बी किसको हो सकता है। तो सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी होने की संभावना होती है होमोसेक्सुअल्स को, समलैंगिक लोग जो होते उनको हो सकती है, भारत में ये सबसे कम है। उन्होंने सोचा नहीं कि हम इस कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते। कम से कम इतना तो सोच लिया होता भाई कि हमारी ये कैटेगरी है कि नहीं है। होमोसेक्सुअल्स को सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी होता, ये प्रूव्ड है, दुनिया के सभी साइंटिस्ट मान। और यहां सबने लगवा लिया, अपने बच्चों को भी लगवा दिया। ऐसे होता हमारे, ऐसे देश कहीं मिलेंगे आपको दुनिया। फिर अभी एक दूसरा कैंपेन चल रहा है पोलियो वैक्सीनेशन का। दुनिया में सभी देशों से जो पोलियो वैक्सीन ड्रॉप खत्म कर दिए गए, वो हिंदुस्तान में 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार अब पता नहीं कितने बार पिलाने वाले। पहले कहा 1 बार पिलाएंगे, फिर 2 बार पिलाएंगे, फिर 5 बार, अभी कहते हैं अनंत बार पिलाएंगे, पिलाते ही रहेंगे, पिलाते ही। मूर्खों कुछ सोचो तो सही, ये पोलियो सबको नहीं हो सकता है। पोलियो होने की भी कैटेगरी होती है, जिसको पोलियो होने की संभावना है उसकी भी कैटेगरीज है। उनमें भारत के 99% बच्चे नहीं आते, 1% ही है। तो जिनको संभावना है उनको लगाओ, सबको एक साथ क्यों लगा रहे हो। संभावना जिनको हेपेटाइटिस बी की है, हेपेटाइटिस बी जिनको हो सकता है भारत में, ऐसे 1,00,000 लोग होंगे जो होमोसेक्सुअल्स हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, उनको लगा दो जाके, ढूंढ ढूंढ के लगाओ उनको। हाँ हाँ, और क्या, कहीं दबे छुपे कोने में पड़े हैं, निकाल निकाल के लाओ, लगाओ उनको। और उनको ढूंढना कुछ मुश्किल नहीं है, वो तो आसान है ना। लेकिन ये क्या सबको एक साथ गांव गांव में कैंप लगा रहे हैं, कैंप सब, ये क्या है। विदेशी कंपनी कोई आ जाए, कोई वैक्सीन दे दे, कोई ड्रग्स दे दे, कोई कुछ दे दे, हमेशा के लिए इस देश में चले। हम अक्कल लगा के नहीं सोचते ये हमारे काम का है नहीं काम का है। अभी एक नया और धंधा है, और एक धंधा चला है इस देश में, आयोडाइज सॉल्ट खाओ। दुनिया में बिना आयोडीन का कोई सॉल्ट नहीं होता, क्योंकि साधारण नमक में आयोडीन होता है, नमक बनता है समुद्र के पानी से, समुद्र के पानी में आयोडीन होता है, जितने आयोडीन की जरूरत है वो बिना नमक के भी पूरी होती है। आप अगर रोज एक कटोरी दाल खाते हैं तुअर की, तो उसमें उतना आयोडीन मिलता है जो रोज आपके लिए कंपलसरी, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा आयोडीन डालो उसमें।
और फिर एक्स्ट्रा आयोडीन के साथ साथ एक नया और शिगुफा छोड़ दिया, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो। अभी देखते ना, जब जाहिरात आता एक्स्ट्रा फ्री फ्लो, आप जानते हैं ये एक्स्ट्रा फ्री फ्लो कैसे होता है? नमक एक्स्ट्रा फ्री फ्लो हो नहीं सकता, क्योंकि नमक की टेंडेंसी है पानी से बना है, नमी उसमें रहने ही वाली है। नमक पानी से बनता है ना, समुद्र के पानी से, कितना भी सुखाओ नमी तो रहने वाली है, लेकिन उसकी नमी को बिल्कुल खत्म करके एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बना सकते हैं। तो उसमें एक केमिकल मिलाते हैं, एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये एल्यूमिनियम सिलिकेट वो केमिकल है जो किसी भी स्वस्थ आदमी को ट्यूबरकुलोसिस का मरीज बना दे। आप जानते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट से सारे बर्तन बनते हैं एल्यूमिनियम के, और उन एल्यूमिनियम के बर्तनों में सिर्फ कैदी लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ नियम है, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में जो कैदी होते थे वो सब फ्रीडम फाइटर थे, उनको मारना है जल्दी, तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना खिलाने का नियम बना दिया, वो आज भी चला आ रहा है। तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में जो कैदी खाना खाते हैं वो जिस केमिकल से बनता, वो एल्यूमिनियम सिलिकेट, वो केमिकल नमक में मिलवा दिया पूरे देश में एक्स्ट्रा फ्री फ्लो के नाम पर। तो क्या होगा, ज्यादा ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट पैदा होंगे, तो ज्यादा दवाएं बिकेंगी उन कंपनियों की। तो इधर नमक खाइए, इधर टीवी होते चली जाएगी, मार्केट उनके लिए बनता चला जाएगा। ये धंधा ऐसा देश कहीं नहीं मिलता उनको दुनिया में, इसलिए भारत पर उनकी नजर। कैसा अद्भुत देश है, एक और कहानी सुनाता हूं। हमारे देश में आजकल कुछ खतरनाक बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, उनमें से एक बीमारी है हार्ट अटैक, बहुत हो रहा है हार्ट अटैक बहुत हो रहा है, तो इसका बिजनेस भी बढ़ रहा है। और बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, थोड़ा भी आपके दिल की धड़कन बढ़ जाए या आपको हाइपर टेंशन हो जाए, माने बीपी हाई हो जाए, आप डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि आप चेकअप करा लो, चेकअप किया तो उसने डाउट कर दिया, हो सकता है आपको ब्लॉकेज है, आप एंजियोग्राफी करा लो, एंजियोग्राफी की रिपोर्ट बना दिया कि आपको 70% यहां ब्लॉकेज है, दिखा दिया कागज पर, पेन लगा के देखो यहां ब्लॉकेज है, यहां ब्लॉकेज है। आपने मान लिया, कभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते कि अच्छा डॉक्टर ये 70% ब्लॉकेज का मतलब क्या होता है, ये कभी नहीं पूछते। 70% ब्लॉकेज का मतलब होता है नॉर्मल, तो डॉक्टर को भी होता है। 70% ब्लॉकेज मींस नॉर्मल, वो डॉक्टर को भी होता, लेकिन डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आपका हार्ट नॉर्मल है, वो कहेगा 70% ब्लॉकेज है। आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा ओ हो 30% ही काम कर रहा है मेरा हार्ट। अब उसने क्या किया, एक वायरस छोड़ दिया आपके दिमाग में, आपको 70% ब्लॉकेज। अब कहोगे डॉक्टर साहब क्या करना है, आ जाओ हॉस्पिटल खाली पड़ा है, तुम्हारे लिए देखो बेड तैयार है, एसी लगा रखा है, टेलीविजन भी लगा रखा है, होटल से बढ़िया सुविधाएं, आ जाओ भर्ती हो जाओ। आप भर्ती हो गए, अगला अटैक क्या करेगा, वो कहेगा आप एंजियोप्लास्टी करा लो। अब आप एंजियोप्लास्टी करेंगे तो उसमें क्या करेगा, एंजियोप्लास्टी का अर्थ है दिल को खून देने वाली नली को काट के उसमें एक स्प्रिंग डालना। दिल को खून देने वाली जो नली है जिसको हम आर्टरीज कहते हैं, उसको कहीं कट करके उसमें एक स्प्रिंग डालना। स्प्रिंग कौन सी, जो बॉल पेन में होती है वही स्प्रिंग, हाँ सेम स्प्रिंग। बॉल पेन में स्प्रिंग आपने देखी है, स्टील से बनती है, उस पर मेडिसिन का कोट किया जाता है। मेडिसिन कौन सी है, सॉर्बिट्रेट। सॉर्बिट्रेट मेडिसिन का घोल बना के स्प्रिंग को उसमें डुबो दिया, डुबोने के बाद सुखा लिया, अब वो स्प्रिंग आपके दिल में डलने को तैयार है। अच्छा, स्प्रिंग आती है 3 रुपए की, जब हर्ट में डाल दी गई तो कीमत हो गई 1,30,000 रुपए, और आप दे देंगे बड़े आराम से। आप कभी पूछेंगे नहीं कि डॉक्टर ये स्प्रिंग कितने की है, 3 रुपए की स्प्रिंग। बनाने वाली कंपनी बोलती है कि 3 रुपए का खर्चा आता है बनाने का, और भारत के रोगियों के दिल की धड़कन बढ़ाना या घटाना या उनको एंजियोप्लास्टी कराने में वो स्प्रिंग डाल के 1,30,000 का बिल बना। अब वो स्प्रिंग की मैक्सिमम लाइफ 6 महीने है, 6 महीने के बाद बेकार हो जाती है, तो 6 महीने के बाद आप वहीं आ गए जहां ऑपरेशन के पहले थे, फिर आपको हर्ट पेन होगा, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा बाईपास सर्जरी करा लो या बलून एंजियोप्लास्टी करा लो। तो बलून एंजियोप्लास्टी में क्या करेगा कि जहां पहले स्प्रिंग डाली थी अब वहां एक गुब्बारा डालेगा, तो गुब्बारा 2-2.5 रुपए का है और वो पड़ने के बाद 90,000 का बिल आ गया। फिर थोड़े दिन के बाद बलून एंजियोप्लास्टी की मैक्सिमम लाइफ 6 महीने है, फिर वो हटा के फिर कहेगा आप बाईपास सर्जरी करा लो, 3,00,000 रुपए है, और बाईपास सर्जरी के बाद ओपन हार्ट सर्जरी करा लो, 5,00,000 रुपए है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद गारंटी कोई नहीं है,
आप नेक्स्ट डे भी मर सकते हैं। होने वाला यही है कि आप यमराज के पास जाएंगे, डॉक्टर करोड़पति हो जाएगा। और ये मैं नहीं कहता, हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण संस्थान जिसका नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसका कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट का हेड, वो कहता है कि सर्जरी 100% फेलियर है। ये कभी किसी हार्ट पेशेंट को रिलीफ नहीं देती, ये 100% फेलियर। और वो मुझे नहीं कहता, ओपन कॉन्फ्रेंस में कहता कि सर्जरी 100% फेलियर। मुंबई का सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर मनु कोठारी खुलेआम चैलेंज देता है कि दुनिया का कोई भी कार्डियक सर्जन मेरे साथ बात करे, कोई सर्जरी कोई रिलीफ नहीं देती किसी को, 5 लाख रुपए जरूर खर्च हो सकता है, रिलीफ उससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जो सर्जन दूसरे की सर्जरी करते हैं उनको पीछे तुमको अटैक आएगा तो क्या करोगे? कहते हम सर्जरी नहीं कराएंगे, बाकी सब करेंगे। हाँ, एक भी कार्डियक सर्जन तैयार नहीं है अपनी सर्जरी कराने को। उसमें तो मेरे दो दोस्त हैं जो रोज 15-20 ऑपरेशन करते हैं, उनको मैंने एक बार पूछा तुम लोगों को अटैक आया तो क्या करोगे? उसने कहा हमको अटैक आएगा तो बिना सर्जरी भी हम ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाएंगे? कहते हैं बहुत सरल उपाय है, गर्म पानी पियेंगे। एक बहुत अच्छा उपाय है, आप ध्यान से सुनना, आपके भी काम आए। गर्म पानी पियेंगे, पानी कभी ठंडा नहीं पिएंगे। मैंने पूछा उससे क्या होता है? उसने कहा कि जितना भी कोलेस्ट्रॉल है गर्म पानी से सब बिगड़ जाएगा। फिर मैंने पूछा और क्या करोगे? उसने कहा दूसरा दूधी का रस पियेंगे, दूधी मैंने दूधी बोपला, रोज दूधी बोपले का रस पियेंगे। और क्या करोगे? तो कहता है कि कच्चा भोजन ज्यादा खाएंगे, पका हुआ कम खाएंगे। कच्चा भोजन मैंने सलाद ज्यादा खाएंगे, खीरा खाएंगे, ककड़ी खाएंगे, ये सब खाएंगे, पकी हुई रोटी कम खाएंगे, तो क्या होने वाला? उसने कहा कि 3 काम करने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल होता है। कितने दिन में? 3 महीने में। तो अटैक आने का कोई चांस नहीं। तो मैंने कहा भाई ये जो तुम करोगे वो पेशेंट को क्यों नहीं बताते? कहते 5 लाख रुपए काम देगा ये बताने का। ऐसा हिंदुस्तान कहां मिलेगा? आप जरा सोचो, जिस हिंदुस्तान का ऊंचे से ऊंचा पेशेंट और खराब से खराब पेशेंट घर का खेत बेच के, जमीन बेच के, संपत्ति बेच के अपना हार्ट ऑपरेशन कराने को तैयार है, और डॉक्टर को कभी प्रश्न नहीं करता कि डॉक्टर ये जो तुमने स्क्रीन डाला है वो कितने रुपए का है, तुमने बलून एंजियोप्लास्टी किया वो कितने रुपए का है, खर्चा कितना हुआ है, मुझसे बिल कितना लिया है, कोई नहीं पूछता। पढ़े लिखे लोग नहीं पूछते। फिर कभी कभी हम ये भी पूछ लिया करें कि ये जो मेडिसिन तुम खिला रहे हो ये किस काम की है? दुनिया के सभी कार्डियक सर्जन इस स्वीकार कर चुके हैं सत्य को कि कोई भी मेडिसिन हर्ट के काम में नहीं आती। कोई भी मेडिसिन दुनिया, चाहे वो सॉर्बिट्रेट हो, चाहे एस्पिरिन हो, चाहे डिस्पिरिन हो, कोई भी मेडिसिन हर्ट के काम नहीं आती। तो सभी कार्डियक सर्जन ये मानते हैं कि मेडिसिन सिम्टोमेटिक रिलीफ करती है, क्योर कभी नहीं करती। सिम्टोमेटिक रिलीफ क्या होता है? अभी बैक पेन हो रहा है, सॉर्बिट्रेट ले लो, 2 मिनट में पेन कम हो जाएगा। पेन कम नहीं हुआ, पेन को बर्दाश्त करने का जो सेंसेशन है वो कम कर दिया है। हेल्थ के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया है। हेल्थ में जो तकलीफ है उसकी वजह से जो आपकी नर्व की सेंसेशन है पेन का, वो सेंसेशन को तोड़ दिया है। पेन की जगह है मेडिसिन लेने के बाद आपको सेंसेशन बन जाएगा। कैसे होता है? ऑपरेशन करने के पहले आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, आप मरते नहीं है, लेकिन सेंसेशन चला जाता है। वही सब काम ये सॉर्बिट्रेट करता है और कुछ नहीं करता सॉर्बिट्रेट। लेकिन कोई कार्डियक सर्जन के पास चले जाओ, सॉर्बिट्रेट उसका फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, एस्पिरिन सेकंड प्रिस्क्रिप्शन, डिस्पिरिन थर्ड प्रिस्क्रिप्शन, जो दुनिया के कई देशों में बैन हो चुके हैं, प्रिस्क्रिप्शन दे रखा है, लूट की खुली छूट इस देश में मची हुई। और इतना सरल मैंने आपसे कहा, कार्डियक सर्जन ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर गर्म पानी पीना शुरू कर दे, कितना भी ब्लड कोलेस्ट्रॉल है डिजॉल्व हो जाता, कुछ ना करे गर्म पानी पीना शुरू कर। पीने का तरीका यह है, खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास गरम गरम पानी, जैसे चाय गरम होती है वैसे पी ले, 3 महीने में कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल। कितना सरल है। दूधी
ढोकले का एक गिलास रस रोज खाली पेट पीना शुरू कर दें, ब्लड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, एकदम सिंपल सोल्यूशन। और तीसरा तो सबसे सरल है, खाने पीने में कच्ची चीजें ज्यादा खाना शुरू कर दें। कच्ची चीजों में माने सलाद, आप जितना भोजन करते हैं 75% सलाद खाइए, 25% पका हुआ भोजन खाइए, रोटी है, चावल है, दाल है, ये सब पका हुआ 25%, 75% कच्चा, ककड़ी है, सलाद है, टमाटर है, कच्चा कच्चा सब खाइए, कच्चा टमाटर, कच्ची दूधी, कच्चा भोपला, कच्चा चप्पल कद्दू, कच्चा आम, कच्चा सब कुछ कच्चा खाइए। कच्चे में ये फल भी आते हैं सब, जितना फल खाना है खाइए, केला, अमरूद, शेरा और ये संतरा, मौसमी, जितना भी। तो कच्चा ज्यादा खाइए, पका कम कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है। और नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल में अटैक आने का कोई चांस नहीं है, आप 100 बरस जिंदा रह सकते हैं। लेकिन ये सिंपल प्रोसीजर कोई डॉक्टर बताता नहीं, और बताता है तो कब, जब आपको सर्जरी हो जाती है तब। आप इस बात को ध्यान रखना, जो मैं आपको बता रहा हूं वो सब डॉक्टर बताएंगे, लेकिन सर्जरी के बाद, पहले कभी नहीं बताएंगे। क्यों? पहले बता दिया तो सर्जरी की जरूरत नहीं। दुनिया में जो कार्डियक सर्जन है ना, उनका एक एसोसिएशन है, उसका प्रेसिडेंट इस समय अमेरिका का एक डॉक्टर है, उसका नाम है डीन ओर्निस, वो प्रेसिडेंट है कार्डियक सर्जन दुनिया के जितने हैं उनका वो प्रेसिडेंट। और डीन ओर्निस दावे से कहता है इस बात को कि किसी भी व्यक्ति का 99% अगर ब्लॉकेज है तो बिना ऑपरेशन रिमूव होता है, उसको धीरज के साथ अपना जीवन चलाने की जरूरत है, वो गारंटी से कहता है। और वो कहता है कि जिसने भी ब्लॉकेज होने के बाद ऑपरेशन होते हैं, 99% डेथ होती है, 1% ही चांस है आपके जिंदा रहने, वो खुद कहता है इस बात। लेकिन वो कहता है कि ये मैं कहता हूं, सब डॉक्टर इसको स्वीकार करते हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं लाते, क्योंकि बिजनेस कम होता है। अब आप सोचिए, इतने बड़े झूठ पर जहां बिजनेस चल सकता है, उस देश को लूटने के लिए कौन नहीं आएगा? इस देश में जब सारी की सारी परिस्थिति ऐसी बनी है तो उनको लगता है कि जितना हो लूटो। पहले लूटने के लिए भारत को गुलाम बनाया था, अब गुलाम बनाने की जरूरत ही नहीं है। जब आपके नेता उनके लिए काम करने को तैयार है तो उनको अपना प्राइम मिनिस्टर भेजने की क्या जरूरत है? अपना आदमी बिठाओ, प्यादा बिठाओ और काम कराते जाओ इस देश में। ये तो हो रहा है। अब इस हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती है वो ये कि या तो ये सब हम होने दें। हमारे देश में एक वर्ग ऐसा है जो ये कहता है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे होगा वो और भी अच्छा होगा, तुम क्या लाए थे, क्या ले जाओगे, क्यों परेशान हो, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, मैंने भारत की लूट हो रही है बहुत अच्छा हो रहा है, आगे और लूट होगी और अच्छा होगा, सब स्वर्णकार भूखे मरेंगे बहुत अच्छा होगा, तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे, सब तो यही रहने वाला है तो ऐसे ही भूखे मर लो। और फिर वो वर्ग कहता, देखो ये मैं नहीं कहता हूं, भगवान कृष्ण कह के गया और भगवत गीता ने यही लिखा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम क्या लाए थे क्या। अभी ये लोग जो इस तरह का व्याख्या करते हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, वो भगवान कृष्ण ने किस संदर्भ में कहा था इस संदर्भ को बात करते नहीं कभी। भगवान कृष्ण ने ये कहा था, बिल्कुल सही है, अर्जुन को कहा था ये भी सही है, लेकिन कहा युद्ध के मैदान में, घर में टीवी देखते हुए नहीं, सिनेमा देखते हुए नहीं, मौज मजा करते हुए नहीं, युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़ा है और कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन परेशान है, और परेशान है किस बात से, रोज लोग मर रहे हैं, कृष्ण तो कह रहा है रोज 100, 200, 300 लोग मर रहे हैं, आगे दिन आएंगे और ज्यादा मरेंगे, तब कृष्ण कह रहे हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, माने जो मर रहे हैं वो अधर्मी हैं, आगे और ज्यादा मरेंगे वो इससे भी ज्यादा अधर्मी हैं, और ये अधर्मी लोग मरेंगे तब धर्म की स्थापना होगी, तुम इसके लिए परेशान मत हो, तुम तुम्हारा काम करो, मैं आदेश देता हूं, ये संदर्भ है। माने कृष्ण ने उस अर्जुन को ये कहा है जो अर्जुन पुरुषार्थी है और युद्ध के मैदान में युद्ध कर रहा है धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को हटाने के लिए, तब कृष्ण ने कहा। यहां कब कहते हैं? यहां तो एसी चल रहा है, बढ़िया हवा आ रही है, सामने बढ़िया पंडाल लगा हुआ है, मूर्ख जनता बैठी हुई है, महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे होगा और भी अच्छा होगा, तुम क्या लाए थे क्या ले।
और कभी कभी होता है, कभी कभी क्या होता है, बढ़िया ऐसी मंच बना हुआ है, हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा हो रही है, भगवान राम का वन गमन प्रसंग सुनाया जा रहा है, ऐसी चारों तरफ से चल रहे हैं। भगवान राम ने वन में जाकर कितना दुख देखा है उसका वर्णन किया जा रहा है, चारों तरफ से ऐसी चल रहा है, यही तो हो रहा तमाशा। और प्रजा इतनी भोली भाली सीधी सादी कि जो कुछ सुनाया जा रहा है उसको सुनकर भाव बेहोर है, आंखों से आंसू टप 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 गिर रहे हैं, जैसे कि सब कुछ ये सच ही हो रहा है। एक तो वर्ग ये है हमारे देश में जो खुद करता नहीं है, किसी को करने नहीं देता, महान निकम्मा चोर और स्वार्थी वर्ग इस देश में एक पैदा हुआ है, जिसने धर्म को व्यापार बनाया है, राम कथा को बिजनेस बनाया है, कृष्ण कथा को बिजनेस बनाया है। राम कथा करवानी है 40 लाख रुपए लाइए कैश, और पहले एडवांस, उसके बाद एक नई कार लाइए, फिर हमारी व्यवस्था करिए, फिर हम आएंगे राम कथा का। कृष्ण कथा करानी है तो 25 लाख लाइए कैश। धर्म हो गया व्यापार, राम कथा हो गई व्यापार, कृष्ण कथा हो गई व्यापार। ये वही वर्ग है जो आपको कहता है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, उसको कुछ खराब दिखता नहीं इस देश में। और इसी वर्ग के सारे हरामी गुंडे चोर उचक्के नेताओं से संबंध है, क्योंकि उनको भी आशीर्वाद है उनका, तो ये सब उनका आशीर्वाद ले लेके संसद में पहुंच रहे हैं, पार्लियामेंट में पहुंच रहे हैं, लूटमार मचाए हुए हैं, वो जनता को सिखा रहे हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तुम शांति से बैठो, उधर लूट मची है, हाँ तुम शांति से बैठो, भगवान का अवतार होगा अभी अगले वर्ष होगा, फिर कल की अवतार होगा, फिर 10 वर्ष में कब होगा मालूम नहीं, अवतार होने ही वाला है, पाप का घड़ा भर गया है, कलयुग पूरे अंतिम चरण में है, तुम बस शांति से बैठो, राम की माला जपो, कृष्ण की माला जपो। ये कभी नहीं कहते कि राम और कृष्ण कितने पुरुषार्थी थे, कितने मेहनती थे, घर छोड़कर कितना परिश्रम करते थे, तब जाकर उन्होंने क्रांति लाई। ये कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, मेरे पास आओ, मैं तुमको एक गुरु मंत्र देता हूं, तुम्हारे कान में फूकूंगा, दूसरे को नहीं बताना, तुमको मैं गुरु मंत्र देता हूं, यहां गंदा बांधो, ताबीज बांधो, गुरु मंत्र ले लो मुझसे। एक तो ये वर्ग है, ये तो कहता है कि कुछ होना नहीं है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। फिर एक वर्ग है जिसको मर जाना है इस होने में, उसको तय करना है कि अब क्या करें। दो ही वर्ग है इस देश में, एक तो विक्टिम है जिसमें आप भी आते हैं मैं भी आता हूं, जिसके ऊपर ये मार पड़ रही है, और दूसरा है जो दर्शक है, जो श्रोता है, दर्शा है, देख रहा है, सुन रहा है, एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहा है। अभी तय करना है उस वर्ग को जिसके ऊपर ये मार पड़ रही है, जो विक्टिम है इस पूरे के पूरे सिस्टम का, मल्टीनेशनल्स का, WTO का, या अमेरिका का, या उनकी पॉलिसीज का। अभी आप उसी में से आते हैं, मैं उसी में से आता हूं, तो आपको तय करना है, मुझे तय करना है कि क्या करें। अब इसमें से दो रास्ते निकलते हैं, अगर आप ये तय करते हैं कि क्या करें तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि कोई भी लड़ाई, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, बिना संगठन के नहीं लड़ी जा सकती, ये बात अनादिकाल से आज तक सच है। अनादिकाल माने जब मनुष्य का कभी प्रादुर्भाव हुआ होगा, वहां से लेकर कृतयुग मान लीजिए जो सबसे पहले था, कृतयुग था, फिर त्रेत द्वापर, फिर त्रेता, फिर ये कलयुग, सब 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 युग मान लीजिए, जब से मनुष्य सृष्टि है तभी से ये बात सिद्ध है कि कोई भी काम बड़ा या छोटा, संगठन है तो होता है, अकेले तो नहीं होता, अकेले भजन पूजा होती है, समाज कर्म नहीं होता। अकेले आप व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी लड़ाई लड़नी है तो अच्छे लोगों को संगठित होना पड़ता है, सबकी अच्छाई एक साथ आती है तो बड़ा काम होता है, अकेले अकेला कितना भी अच्छा व्यक्ति है कभी कुछ नहीं कर सकता। तो अगर आपको लगता है कि हमारे लिए ये सब है, हम विक्टिम्स हैं इस पूरे के पूरे ऑनस्लॉट के, वो ग्लोबलाइजेशन हो या WTO हो या कोई भी हो, इस ऑनस्लॉट के हम विक्टिम हैं, तो लड़ना हमें है, संघर्ष आपको करना है, मुझे करना है, हम सब मिलकर करेंगे। और अगर संघर्ष करना है तो पहली शर्त है संगठित होना है, बिना संगठन के संघर्ष नहीं है। तो मेरा आपको विनम्र निवेदन है, अपील है कि आप आपके सभी स्वर्णकार बंधुओं को, और स्वर्णकार ही नहीं उसके अतिरिक्त दूसरे व्यवसायियों को संगठित करिए, क्योंकि ये जो मार है हॉलमार्क की, ये आपको है, दूसरों को दूसरी मार है। मैंने आपसे कहा ना, छोटे छोटे दवा बेचने वालों को एक नई मार आ गई है, इसके बाद एक तीसरी मार आने वाली है, ये जो वकील लोग हैं ना, इनको मार आने वाली है,
मैं गांधी जी को बोल रहा हूं, विदेशी एडवोकेट आने वाले हैं अब इस देश में, इंडियन एडवोकेट्स एक्ट चेंज हो गया है, और जब विदेशी एडवोकेट आ जाएंगे उनकी फर्म आ जाएगी तो आप जैसे लोग वहां जाएंगे, इनका भी बिजनेस जाने वाला है, विदेशी डॉक्टर आने वाले हैं, विदेशी हॉस्पिटल्स आने वाले हैं इस देश में, विदेशी यूनिवर्सिटीज आने वाली हैं इस देश में। अभी तो सिर्फ विदेशी पेप्सी कोक आया, सब कुछ विदेशी आने वाला है। अगले साल से तो विदेशी गेहूं, विदेशी चना, विदेशी चावल सब आने वाला है इस देश में। तो भारत का ऐसा एक भी वर्ग नहीं है जो मरे बिना बचे। इसलिए संगठन करना है, पहले आप संगठित होंगे, फिर दूसरे को संगठित करने का रास्ता आपके पास हाथ से खुलेगा। तो मेरा पहला निवेदन है कि आप यहां से आज जाएं तो एक संकल्प लेकर जाएं कि सबसे पहले स्वर्णकार समाज को हम संगठित करें। आपने अगर इस समाज को संगठित कर लिया तो दूसरे समाज का भी संगठन आप कर पाएंगे। अगर अपने को संगठित नहीं कर पाया तो दूसरा समाज आपके पास आके संगठित नहीं होगा। स्वर्णकार समाज को संगठित करें तो संगठन का आधार क्या हो? संगठन का आधार ये कि देखो भाई, ये हॉलमार्क आ रहा है, डब्ल्यूटीओ की शर्त है, और इस साल से सरकार ने तय किया है 25%, अगले एक साल दो साल के बाद 50%, फिर 75%, फिर 100%, ये बढ़ने जाने वाला है, अभी ऑप्शन में है, फिर कंपल्शन में आएगा। दुष्परिणाम क्या है, ये जो आप उसको समझाएं सरल भाषा में, इसकी छोटी छोटी पुस्तिकाएं बनाएं, पैम्पलेट बनाएं, ये जो पैम्पलेट आपने छापा है इसको पूरे महाराष्ट्र में बटवाएं, राजस्थान में बटवाएं, गुजरात में बटवाएं, क्योंकि स्वर्णकार समाज सभी प्रदेशों में फैला हुआ है, उनकी लोकल भाषा में बनाएं, गुजराती में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में। इस तरह से पहला काम प्रचार करके सूचना का और ज्ञान का संगठन खड़ा करना, और संगठन जब बन गया तो दूसरा कदम प्रहार करना दुश्मन की उस स्ट्रेटेजी पर जहां से आपके लिए तकलीफें शुरू हो रही। देखिए तकलीफ कहां से शुरू हुई, बाहर की कंपनियों ने आकर आपकी सरकार पर दबाव डाला, सरकार ने नियम बना दिया, अब आपको भी चोट वहीं करनी। जिस सरकार ने यह नियम बनाया है वो सरकार इसे वापस भी ले सकती है। दुनिया में कोई भी नियम इररिवर्सिबल नहीं होता, हर नियम रिवर्सिबल होता है, कोई कानून इररिवर्सिबल नहीं होता, कोई नियम इररिवर्सिबल नहीं होता। आप ये जान लीजिए, ये हॉलमार्क का नियम बना है तो ये वापस भी हो सकता है, हॉलमार्क का कानून बना है तो वापस भी हो सकता है, गेट एग्रीमेंट साइन हुआ है तो कैंसिल भी हो सकता है। दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता जो इररिवर्सिबल है। कोई भी चीज दुनिया में असंभव नहीं होती, हर चीज संभव होती है, करने वाले की संकल्प शक्ति कितनी है महत्व उसका, आपकी संकल्प शक्ति कितनी है यह महत्व की बात है। हॉलमार्क नियम वापस हो सकता है, जिन्होंने बनाया है वही इसको वापस करेंगे। आप आपकी संकल्प शक्ति का एक बार प्रदर्शन कर दो, बस इतना ही करना। आपको एक तात्कालिक घटना बताता हूं, आपको याद है इस देश में एक व्यक्ति आया था, उसका नाम था बीपी सिंह, याद है? उसने क्या किया था, अमरीका का सीधा सीधा एक डेलीगेशन भारत आया था जब वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर था, तो अमरीकी डेलीगेशन में कुछ एमपीज आए थे, उन्होंने वीपी सिंह को कहा कि देखो आपको अमरीका से अगर सॉफ्ट लोन चाहिए, सॉफ्ट लोन का मतलब होता है ब्याज की कम दर, ब्याज की कम दर सॉफ्ट लोन होती है, ब्याज की अधिक दर हार्ड लोन होती है। सॉफ्ट लोन की ब्याज दर 4.5% होती है, हार्ड लोन की ब्याज दर 16% से लेकर और 100% तक होती है, मिनिमम 16% 100%। तो वीपी सिंह को उन्होंने कहा आपको सॉफ्ट लोन अमेरिका से चाहिए तो भारत में वैल्यू एडेड टैक्स लागू करो, ये सीधा उन्होंने कहा। वीपी सिंह ने आओ ना देखा ताओ वैल्यू एडेड टैक्स के लिए भारत के लोगों को बोलना शुरू किया, वो पहला आदमी था वीपी सिंह। लेकिन भारत के जो समझदार होशियार व्यापारी हैं, जो थोड़ी अकल रखते हैं, राष्ट्रभक्ति भी है, उन्होंने वीपी सिंह को कहा कि हम आपकी इस कुर्सी को एक मिनट में नीचे ला देंगे अगर आपने वैट के लिए थोड़ा भी दबाव डाला तो। वीपी सिंह ने कहा वैट से ये अच्छा है वो अच्छा है, उन्होंने कहा हमको सब मालूम है वैट से क्या अच्छा है क्या खराब। फिर वीपी सिंह ने तर्क दिया कि दुनिया के 56 देशों में वैट है, तो भारत के व्यापारियों ने वीपी सिंह को बोल दिया कि जिन देशों में वैट है वहां पर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है तब वैट है, भारत में इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्स के रहते हुए वैट कैसे हो सकता है। या तो आप वायदा करो कि सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा लोगे, और अगर आप वायदा नहीं करते तो वैट कैसे ला सकते हो। ये बात सही है, दुनिया के 56 देशों में वैट है लेकिन वहां दो ही टैक्स हैं, एक टैक्स डायरेक्ट है इनकम टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट है वैट, बाकी कोई टैक्स नहीं।
तो भारत में वैट लाना है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस हटाओ। वीपी सिंह ने कहा मेरी हिम्मत नहीं, तो उन्होंने कहा फिर बात करना बंद कर दो। एक साल बात किया, चुप होकर बैठ गया वीपी सिंह, और जिस वैट के लिए उसने सब तमाशा किया वापस लिया। वीपी सिंह के जमाने से कितने प्रधानमंत्री आए और चले गए, आप नाम गिन लो। वीपी सिंह खुद, चंद्रशेखर खुद, पीवी नरसिम्हा राव खुद, इंद्र कुमार गुजराल, देवेगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी और अब मनमोहन सिंह, छह तो आके चले गए, सातवीं अब मनमोहन सिंह है। सबने बोला वैट आएगा, वैट आएगा, वैट आएगा। और एक साल पहले तो कई लोगों ने यह बोला कि हम कुर्सी से उतर जाएंगे लेकिन वैट लाएंगे। कौन? चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश, याद है? चंद्रबाबू नायडू ने चैलेंज किया था मैं चुनाव हार जाऊं लेकिन वैट लेके आऊं। दूसरा चैलेंज आपका मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने चैलेंज किया, उसने तो कानून पास करा दिया। परिणाम क्या हुआ? दोनों को ही जनता ने डुबो दिया। डुबो दिया कि नहीं? चंद्रबाबू नायडू की क्या हालत हुई है? एक जमाने का हाईटेक चीफ मिनिस्टर, कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से नीचे बात नहीं करने वाला, आज हालत यह है कि पानी को कोई पूछने को तैयार नहीं है। चंद्रबाबू नायडू की यह हालत है। कोई गांव में चला जाए तो लोग थूकना शुरू कर देते, गांव में खड़ा होकर भाषण नहीं दे सकता, मीटिंग नहीं कर सकता। एक जमाने का सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर। इसमें चतुराई क्या करना है? यह साल चुनाव आ रहा है महाराष्ट्र में, आ रहा है कि नहीं? बस विधानसभा चुनाव का टारगेट बना दीजिए। हाँ, मैं आपको सीधी बात बोलता हूं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इसको मुद्दा बना दीजिए कि महाराष्ट्र की जिस राजनीतिक पार्टी को हमारा समर्थन चाहिए वो हॉलमार्क हटाने का वायदा करे। बात खत्म। और ये साल महाराष्ट्र में चुनाव है, है? अगले साल चार राज्यों में चुनाव है, बंगाल में है, और बंगाल आप जानते हैं सबसे ज्यादा स्वर्ण आभूषणों का कारीगरी करने वाले लोगों का प्रदेश है। सबसे ज्यादा स्वर्णकार जो कारीगर हैं वो बंगाल के हैं। उन तक अगर आपने ये पहुंचा दिया वो तो बहुत खतरनाक लोग, हाँ वो तो मरने मारने वाले लोग। बंगाल में आप ये फैला दीजिए ये हो रहा है तो वहां तो लाल झंडा सीधे निकलता, और अगले साल चुनाव है बंगाल में तो वहां चुनाव का मुद्दा ये बना देंगे। फिर चार राज्यों में अगले साल चुनाव है, फिर उसके अगले साल छह राज्यों में चुनाव है, तो हम तो ये मानते हैं कि इसको चुनाव का मुद्दा आप बनाएंगे, पार्टी नहीं बनाएगी, आप बनाएंगे। और हर पार्टी को कहिए वोट चाहिए तो इस पर बात करो, बोलो क्या तुम्हारा स्टैंड है। इस तरह से आप इसमें काम शुरू करिए। थोड़े दिन में क्या होगा, राष्ट्रीय चुनाव भी आ जाएगा, एक डेढ़ साल में लोकसभा का चुनाव आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जिस तरह की यह सरकार है ना, एक डेढ़ साल में चुनाव आ सकता है, तो उसके लिए फिर और तैयारी अभी से हमारी हो जाएगी। तो थोड़े दिन में आप देखेंगे इसमें इतनी हीट जनरेट हो जाएगी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी बोलेगी भाई हमें ये नहीं करना। क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल को एक चीज से तो सबसे ज्यादा डर लगता है, उसका वोटिंग परसेंटेज कम नहीं होना चाहिए भले कुछ भी हो। और उनको जब ये लग गया कि व्यापारी इसके विरोध में है तो वो सोचेंगे। एक दूसरा एक काम और करना है, आपके पास जो ग्राहक आता है उसको भी जरा एजुकेट करिए, उसको भी। रोज आपकी दुकान में 10 कस्टमर आते हैं ना, ये पत्रक एक एक को देते जाइए, भाई जरा ले लो इसको पढ़ लो। तो क्यों पढ़ लें? तो बहुत तकलीफ आने वाली है। क्या तकलीफ आने वाली है? हॉलमार्क आने वाला है, क्या होगा इससे? उसको एक वाक्य में कहो, गहना बनाना महंगा हो जाएगा, जो अभी तुमको मिल रहा है इतने सस्ते में, 50 रुपए की मजदूरी में जो चेन तुम ले जाते हो अब ये 500 रुपए की मजदूरी में मिलेगी एक साल के बाद, इतना काफी है उसको। और होने वाला तो अल्टीमेटली यही है ना, हॉलमार्क आने से जो भी नियम और बंदिशें हैं अल्टीमेटली परिणाम ये होगा कि हर चीज महंगी होगी। जो सोने की चेन अभी वो 50-60 रुपए की मजदूरी में बनवा लेता है वो 500 रुपए में बनेगी, 1000 रुपए में बनेगी, उसको ये बात तुरंत समझ में आएगी। गहना बनाना महंगा हो जाएगा, हाँ हाँ विरोध करना चाहिए, करो, तुम भी लिखो एक चिट्ठी मंत्री। तो व्यापारी तो लिखेंगे, कंज्यूमर भी लिखें, तो मंत्री को यह कहने का रास्ता नहीं रहेगा कि यह तो सब व्यापारियों का है, इसमें भारत के कंज्यूमर भी शामिल है और मेरे जैसे लोग इसमें थोड़ी मदद तो कर ही देंगे। मैं जहां भी पब्लिक मीटिंग में जाऊंगा लोगों को यह अपील मैं कर सकता हूं, आप भी अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे, हर दिन मान लीजिए 1000 चिट्ठी, 2000 चिट्ठी, और दो तरह से चिट्ठी लिखना, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत माने आपने पोस्टकार्ड लिखा, सामूहिक माने एक बड़ा मैटर बनाया, उस पर 50 लोगों के हस्ताक्षर किए और उसको भेज दिया।
ज्ञापन के रूप में, प्रतिवेदन के रूप में। तो सामूहिक चिट्ठियां, व्यक्तिगत चिट्ठियां, और मंत्री का ईमेल मिल जाए तो ईमेल भरो उसका, हाँ रोज मेल करो उसको, और सिंपल एक वाक्य का बॉयकॉट हॉलमार्क, या वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस हॉलमार्क, वी आर बॉयकॉटिंग हॉलमार्क, ऐसा ऐसा एक एक सिंपल सिंपल ईमेल करो, फैक्स करो, टेली वो फोन करो, और कुछ हो सकता है तो टेलीग्राम करो, इस तरह के जो जो कर सकता है वो करे। सामूहिक रूप से एक काम, व्यक्तिगत रूप से एक काम, समाज में जागृति पैदा करने का एक काम, संगठन बनाने का एक काम, इस तरह से आप चलेंगे थोड़े दिन में इसमें ताकत आ जाएगी। और ये ताकत लाने के लिए आप में संकल्प जगाना बहुत जरूरी है। और मैं आपको एक छोटा सा आखिरी बात कहकर मेरा व्याख्यान खत्म करता हूं। संकल्प कैसे आता है? कोई व्यक्ति बड़े से बड़ा काम करे तो उसके लिए सबसे पहली चीज है वो है संकल्प शक्ति। पैसे की कोई प्राथमिकता नहीं है, पैसा तो आता है, आप में संकल्प कितना है महत्व इस बात। कोई भी काम में पैसे की कमी पड़े ऐसा मैंने आज तक सुना नहीं इस देश में। खराब से खराब, अच्छे से अच्छे काम के लिए पैसे की कमी कभी नहीं पड़ती। संकल्प कम पड़ जाता है उसी में हम हार जाते हैं। आपकी संकल्प शक्ति बढ़नी चाहिए, और संकल्प बढ़ाने के लिए दुनिया में कोई मेडिसिन नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं। आपको कोई मेडिसिन दी जाए और आप में संकल्प आ जाए ऐसा नहीं होता। कोई इंजेक्शन लगाया जाए आप में संकल्प आ जाए ऐसा नहीं होता। कोई हेल्थ टॉनिक भी नहीं है संकल्प के। तो फिर संकल्प कैसे आता है? संकल्प बढ़ाने के लिए एक बहुत सुंदर सिद्धांत है। सांख्य दर्शन हमारे देश में एक बड़ा दर्शन शास्त्र है, सांख्य का दर्शन। उसमें एक सूत्र है, न इति न इति, और उसको नेति नेति कहा गया। न इति न इति, इसका माने ये नहीं ये नहीं ये नहीं, माने ना कहने से संकल्प की ताकत बनती है, हां कहने से विकल्प खुलता है, संकल्प ना कहने से बनता है। माने आप व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा संकल्प करें इस बात के लिए, तो ना कहना शुरू करें अपने जीवन। और कहां से ना कहना शुरू करें? ये जो विदेशी कंपनियां हमको लूटने के लिए घुस गई हैं और घुसने की तैयारी कर रही हैं, इन विदेशी कंपनियों को ना कहना शुरू करें। अभी देखिए विदेशी कंपनियां इसमें आना चाहती हैं, ज्वेल्स ज्वेलरी और ये डायमंड के ट्रेड में, तो आप इसको रोकना चाहते हैं तो ना कहें। लेकिन जिस बिजनेस में ये आ चुकी हैं वहां भी ना कहें। जैसे बहुत सारी अमरीकी कंपनियां घुस गई हैं जो पानी की बोतल बेच रही हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स बेच रही हैं, उसको ना कहना शुरू करिए, हम नहीं पियेंगे, हमारी लड़ाई विदेशियों के खिलाफ है। और जिससे लड़ते हैं उसको सहयोग नहीं करते कभी। आप जानते हैं जब युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध के मैदान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या होती है? दुश्मन की आर्मी की जो सप्लाई लाइन है वो पहले तोड़ी जाती है। और जिस दुश्मन को सप्लाई लाइन आपने तोड़ दिया उसको हराना बहुत आसान हो जाता है। युद्ध के मैदान में प्रतिपक्ष का जो सेनापति है उसको सप्लाई कहां से आ रही है वो वहां अटैक किया जाता है। माने आर्मी को गोला बारूद कहां से मिल रहा है, जो सप्लाई डिपो है ना उनको पहले अटैक किया जाता है युद्ध जीतने के लिए। और सप्लाई डिपो आपने ध्वस्त कर दिए तो आर्मी की ताकत आधी खत्म हो जाती है। तो ये जो विदेशी हमारे घुसते चले आ रहे हैं देश में, इनकी सप्लाई लाइन कहां है? इनकी सप्लाई लाइन हमारे घर से है, हम ही इनको पैसा दे रहे हैं, और हमारे ही पैसे से ताकत लेकर वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। माने हम ही हैं जो अमेरिका की और यूरोप की कंपनियों का सामान खरीद रहे हैं, हमारे खरीदे गए सामान से उनको प्रॉफिट मिल रहा है, और वो प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने के लिए और ज्यादा ताकत से आ रहे हैं इस देश में। तो आप आपके घर से उनकी सप्लाई लाइन तोड़िए, अर्थात विदेशी सामान आपके घर में खरीदना बंद करिए। अगर आप ये चाहते हैं कि भारत में आई हुई विदेशी कंपनियों का कोई गहना और जेवर ना खरीदे इस देश में, तो आपको भी ये करना पड़ेगा कि बाहर से आई हुई कंपनियों का सामान आप भी ना खरीदें। क्योंकि भारत का कंज्यूमर आपका तब खरीदेगा जब आप उसका खरीदेंगे, और अगर आप आपके देश के उत्पादक का नहीं खरीदेंगे आपका कौन खरीदेगा? मान लीजिए आप गहना बनाते हैं, आप चाहते हैं कि कोई खरीदे, तो जो कुछ दूसरा व्यक्ति कुछ बनाता है उसे आप खरीदे, ये तो रेसिप्रोकल है। आप विदेशी खरीदेंगे और आप सोचेंगे भारत के सब लोग आपका गहना खरीदे, वो कैसे होने वाला है? वो गहना भी विदेशी खरीदेंगे। इसलिए आप स्वदेशी खरीदिए तो दूसरे को कहने के लिए आप प्रेरित हो जाए। तो आपके जीवन से एक संकल्प बना के शुरू करिए,
और वो संकल्प ये है कि हम भारत में ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो भारतीय वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, माने विदेशी का बहिष्कार करेंगे। तब ये बहिष्कार विदेशी वस्तु का होगा, विदेशी चिन्ह का होगा, विदेशी व्यक्तियों का होगा, विदेशी विचारों का होगा, विदेशी संस्कृति का होगा और बढ़ता चला जाएगा। शुरू होगा एक छोटे से उसमें और फिर स्वरूप धारण करेगा बहुत व्यापक। जो 1947 के पहले इस देश में हुआ था वही अब 2004 में करना है। तो विदेशी वस्तुओं को घर से खरीदना बंद करिए। तो सबसे पहले पेप्सी कोक पीना तो बंद करिए, और मैंने आपसे बताया कि वो पीने के लायक भी नहीं है, जहर है। और दूसरी सच्ची बात है कि पेप्सी और कोक में जो एसिड मिलाया जाता है वो एसिड की क्वालिटी आपके घर में फिनाइल की क्वालिटी के बराबर है। जो फिनाइल को आप संडास साफ करने में इस्तेमाल लाते हैं उस फिनाइल में जो एसिड की क्वालिटी है वही क्वालिटी का एसिड पेप्सी कोक में मिक्स होता है। माने आप पेप्सी कोक से भी संडास साफ कर सकते हैं, बहुत अच्छी साफ होती है, और मैंने बहुत बार करके देखा। हाँ, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने कई बार ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, 15-20 दिन मेरे घर का टॉयलेट ही साफ नहीं किया, बहुत गंदा हो गया, कचरा जमा हो गया। एक बोतल पेप्सी लाया, थोड़ा टॉयलेट पॉट पे गिराया, 2 मिनट के बाद फ्लश किया, एकदम झकाझक सफेद, एकदम व्हाइट एंड व्हाइट। और दूसरी मजे की बात यह है कि पेप्सी और कोक में जो एसिड है वही एसिड हार्पिक में भी है। संडा साफ करने वाला जो हार्पिक है उसमें वही एसिड है जो पेप्सी कोक में, और वो एसिड का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड से संडा साफ करने वाला हार्पिक भी बनता है और पेप्सी भी बनता है। तो ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर होता है, कोका कोला नहीं होता। तो आज से आप ये ठंडा बंद करिए। फिर आप पूछेंगे तो क्या पिए, नारियल पानी पीजिए, गन्ने का रस, संतरे का रस, मौसमी का रस, चीकू का रस, आम का रस, जो कुछ नहीं मिलता तो नींबू की शिकंजी, गाय का दूध, दही की लस्सी, कुछ नहीं मिलता तो शुद्ध पानी। तो यहां से शुरू करिए, फिर विदेशी साबुन बहिष्कार करिए, फिर विदेशी टूथपेस्ट बहिष्कार करिए। आप पूछोगे पता कैसे चलेगा क्या विदेशी क्या स्वदेशी, पता करने का तरीका बहुत सरल है। बाजार में खड़े होकर कोई भी सामान खरीदना, उसको बेचने वाली कंपनी का नाम पढ़ना। अगर किसी कंपनी का नाम इस तरह से है, इंडिया लिमिटेड, ब्रुकबॉन्ड इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, पेप्सी इंडिया लिमिटेड, कोका कोला इंडिया लिमिटेड, लक्ष्मी इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, सब कंपनी विदेशी है, और जो नॉन इंडिया लिमिटेड है वो सब स्वदेशी। ये विचित्र है, भारत में आई हुई कोई भी कंपनी के नाम के साथ अगर इंडिया लिमिटेड है, मैंने आपसे कहा पेप्सी इंडिया लिमिटेड, कॉलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, कोका कोला इंडिया लिमिटेड, ग्लेक्सको इंडिया लिमिटेड, स्मिथ लाइन बीचम इंडिया लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड, सब कंपनी विदेशी है, उनको छोड़िए। और जो नॉन इंडिया लिमिटेड है वो स्वदेशी है, और स्वदेशी में लोकल प्रोडक्ट पहले खरीदिए ताकि कोई लोकल आदमी आपका खरीदे, आप उसका खरीदेंगे वो आपका खरीदेंगे, बिजनेस म्यूचुअल है। अगर किसान का चावल आप खरीदते हैं तो किसान आपका गहना खरीदता है, अगर किसान का चावल आप खरीदना बंद कर दें वो अपना गहना आपको कभी नहीं खरीदने वाला। सीधी सी बात, किसान का गेहूं आप खरीदते हैं तो वो आपका गहना खरीदता है, किसान का गेहूं आप नहीं खरीदेंगे आपका गहना नहीं खरीदेगा। हम हमारे लोकल लोगों का खरीदेंगे, लोकल लोग हमारा खरीदेंगे। तो आपके गांव में जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको पहले खरीदिए, नहीं मिलते तो पड़ोस के गांव से खरीदिए, फिर पड़ोस के गांव से खरीदिए, इस तरह से एक नियम बनाइए। वैसे इस विषय पर हमने एक छोटा पत्रक बनाया है, वो पत्रक बाहर स्टॉल में है, आप ले जाइए, क्या स्वदेशी क्या विदेशी। एक पुस्तक भी बनाई है, क्या स्वदेशी क्या विदेशी, उसको आप छपाइए, भरपूर संख्या में बांटिए, आपके जीवन से शुरू करके दूसरों को प्रेरित करने के काम आएगी। और एक चलते चलते आखिरी निवेदन कि ये जो सारी लड़ाई होगी इसमें विक्टिम्स आप हैं और टारगेट कौन है, बाहर से आई हुई कंपनियां, ये स्पष्ट है। दुश्मन कौन है, लड़ने वाले कौन है। हम विक्टिम्स आपस में एक दूसरे के साथ बहुत सारे मामलों में मतभेद रख सकते हैं लेकिन मनभेद ना रखें। मेरा एक संगठन, आपका एक संगठन, हमारे आपस के कई मुद्दों पे एक दूसरे से मतभेद हो सकते हैं जो असंभव नहीं है, संभव है, लेकिन जब लड़ाई लड़ते हैं तो मनभेद ना करें, माने अविश्वास ना करें। मैं आप पर विश्वास रखूं, आप मुझ पर विश्वास रखें कि हम सब एक ही लड़ाई के सिपाही हैं। नाम अलग अलग हो सकता है, लड़ाई हमारी एक ही है,
आजादी की आंदोलन में एक दो नहीं हजारों संगठन लड़ रहे थे। गांधी जी का एक संगठन था, लोकमान्य तिलक का एक संगठन था, भगत सिंह का एक था, सुभाष चंद्र बोस का एक था, उद्देश्य सबका एक ही था, संगठन अलग अलग थे। ऐसे ही आपका स्वर्णकार संघ अलग संगठन है, मेरा आजादी बचाओ आंदोलन अलग संगठन है, उद्देश्य आपका और मेरा एक ही है, ये जो विदेशी ताकतें हैं इनसे देश को बचाना, हमारा आपका उद्देश्य एक ही है। तो हमारे अलग अलग संगठन हो सकते हैं, अलग अलग संस्थाएं हो सकती हैं, कुछ मुद्दों पर एक दूसरे से मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब बड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो छोटे मतभेदों को छोड़ दिया जाता है। आजादी की लड़ाई भी जब चल रही थी ना तो बहुत सारे मतभेद थे। एक मतभेद था हिंसा होनी चाहिए, कुछ संगठन कहते थे हिंसा होनी चाहिए, कुछ कहते थे नहीं होनी चाहिए। तो वो कहते थे कि ठीक है हिंसा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए हम बाद में तय कर लेंगे, तुमको लगता है हिंसा करना है तो तुम हिंसा करो, हमको लगता है हिंसा करना है तो हम हिंसा से लड़ेंगे, लड़ेंगे अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो हिंसा अहिंसा का बड़ा मतभेद था वो जमाने, आज भी होंगे कुछ कुछ मुद्दों पर। तो वो मतभेदों को थोड़ा किनारे रखकर बड़ी लड़ाई के लिए हम सब तैयार, हमारे किसान संगठन, मजदूर संगठन, व्यापारियों के संगठन, स्वर्णकारों के संगठन, लोहारों के संगठन, कुम्हारों के संगठन, मोचियों के संगठन, ये जितने भी संगठन देश में हैं, इन सबको एक सूत्र में पिरोने की आवश्यकता अब पड़ेगी, क्योंकि उद्देश्य आपका एक ही है, दुश्मन आपका एक ही है और आपके संगठन अलग अलग हैं। तो माला में हम सब एक साथ आए तो वो एक सूत्र का कोई विचार हमको बांधेगा और वो विचार एक ही होता है, जिसको हम कहें भारतीय बने, भारतीय रहें और भारतीय ही खरीदें, बी इंडियन एंड बाय इंडियन एंड रिमेन इंडियन, भारतीय बने, भारतीय रहें, भारतीय खरीदें, यह हमारा एक सूत्र है जो सब संगठनों को एक धागे में पिरो देगा। अकाम अलग अलग होंगे लेकिन एक सूत्रता इसमें से आएगी और यही एक सूत्रता हमको इस बड़ी लड़ाई में विजय दिलवाएगी, इसका मुझे संपूर्ण विश्वास है। और ये विजय दिलवाने के लिए हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमको शक्ति दे, ताकत दे, ताकि इस बड़ी लड़ाई के लिए हम मानसिक रूप पर सक्षम हो सकें और शारीरिक रूप में समर्थ हो सकें और मिलकर इस लड़ाई को लड़के हासिल करें विजय। हम लड़ेंगे जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं, ये मन में हमेशा रखें, लड़ेंगे संघर्ष करेंगे जीतने के लिए, हारने के लिए नहीं। अगर हारने के लिए तो संघर्ष करने की जरूरत नहीं, तब तो सरेंडर करना अच्छा है, हार नहीं है तो सरेंडर करना अच्छा है। संघर्ष तब किया जाता है जब मन में संकल्प है कि हम जीतेंगे, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जीतना बहुत सरल है, थोड़ा संगठन आ जाए, थोड़ा हॉलमार्क के बारे में प्रचार हो जाए पूरे देश में और आने वाले चुनाव का मुद्दा ये बन जाए, बिल्कुल